तेरी बल्के चूम के हवा के साथ झूम के गोल गोल घूम के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक सुबह ताजी ताजी ठंडी हवा का झोंका, जैसे बाहर तो गर्मी है लेकिन अगर आप ये फील करें, आप ये रियलाइज करें कि हाँ भी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है तो वो आपको फ्रेश कर देता है। तो इसीलिए ये सोचना गर्मी में बहुत जरूरी है कि हमें गर्मी नहीं लग रही, और इसी बात के साथ जब सुबह का आगाज करते हैं तो सारा दिन गर्मी नहीं लगती। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा गर्मी लगती क्योंकि वो उसको फील करते हैं, और कुछ लोगों को नहीं लगती। वो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे लाइक मैं पिछले दिनों गई थी हाला, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे थे भट्टी में और बड़े जबरदस्त हैंडीक्राफ्ट बना रहे थे, तो हमारे पसीने छूट रहे थे। वो भट्टी के आगे थे और वो काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी वो हैबिट डेवलप हुई हुई है और उनको गर्मी नहीं लगती। लेकिन हम जब करते रहते गर्मी, हाय हाय बड़ी गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, तो हमें वाकई गर्मी लग रही होती। मैंने अपने मोबाइल पे टेम्परेचर देखा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और हमारे पसीने छूट रहे थे और उन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो भट्टी के आगे खड़े होके सारा जो सामान था वो भट्टी में डाल रहे थे। तो जो आप फील करते हैं एक्चुअली वही होता है। अब देखिए ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जरूरियात थे, जिंदगी भी बढ़ती जा रही है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मी हो या आपकी अम्मी हो, एक मटोरा की लिपस्टिक उनके पर्स में होती थी, उसी को निकाला, लिपस्टिक लगाई, रूज बनाया, आई शेडो वगैरह तो नहीं लगाती थी, मस्कारा ये सब दूर की बात होती थी। मतलब कभी मेरी अम्मी को वो फील नहीं हुआ कि ड्रेसिंग टेबल पे हमारे बच्चों ने हमारा मेकअप तोड़ दिया, क्योंकि मेकअप होता ही नहीं था। खाली ड्रेसिंग टेबल होती थी मेरी अम्मी की, उनके पर्स से एक लिपस्टिक निकलती थी, कहती थी रूज लगा लूं। और अब अगर आप ट्यूटोरियल देखते हैं तो ना जाने क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर आप, मेरी बेटी मेरा पर्स खोलेगी तो उसको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, मतलब लाइक प्राइमर से लेकर फिक्सर स्प्रे से लेकर क्या क्या चीजें हैं जो हम यूज नहीं करते। बड़ी मुश्किल होती है जब मैं ट्रेवल करती हूँ ना और मेकअप किट को साथ ले जाना होता है, तो काम करते करते भी इतना बड़ा बैग तो हो जाता है जिसमें मेकअप का सामान होता है। लेकिन हमारी अम्माएं एक लिपस्टिक लिए पूरी दुनिया में घूमा करती थी, उसी लिपस्टिक से सारे काम हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया, मैंने बड़े मजेदार रिसर्च आपके लिए आपसे शेयर करनी है। कुछ गैजेट्स ऐसे हैं कि जिनको मेकअप नहीं करना आता उनके लिए भी चीजें दरियाफ्त की जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोगों से लाइनर नहीं लगते उसके लिए स्टेंसिल है, लोगों से आईब्रोज नहीं बनती उसके लिए भी स्टेंसिल है, लोगों से मस्कारा नहीं लगता, पता नहीं वो कहाँ कहाँ मस्कारा लगा देते हैं, उसके लिए भी गैजेट्स हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आईलैश कर्लर तो ये एक पुराना गैजेट हो गया ना कि आप अपनी आईलैश को मस्कारे से नहीं तो उस गैजेट से कर्ल करें। देखिए मेरा शुमार भी उन लोगों में से होता है कि मुझे अपना पूरा मेकअप तो करना आता है लेकिन मुझे आईलैशेस लगानी, फेक लैशेस लगानी नहीं आती, मैं अभी तक नहीं सीखी। तो उन लोगों के लिए ये एक जबरदस्त गैजेट है। जिन लोगों को आईलैशेस लगानी नहीं आती वो ये इसी गैजेट को खरीद के लगा सकते हैं। जैसे हमारी अम्माओं के पर्स में एक लिपस्टिक होती थी, उसी तरह आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी स्किन बड़ी अच्छी है उनके पर्स में सिर्फ एक चीज होती है, वो है लिप टिंट। लिप टिंट कह ले, उसे चीक टिंट कह ले, उसी से आप अपने पूरा मेकअप कर सकते हैं जल्दी जल्दी में, अगर आपने अपनी स्किन का ख्याल रखा। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो, जिनसे पूछे कि उनके पर्स में क्या तीन चीजें, तो लिप टिंट का नाम जरूर आता है। जैसे हिना अल्ताफ है, सारा है, आयजा है, आयशा उमर है, बहुत सारी, आप नाम ले, वो बस लिप टिंट ही यूज करती क्योंकि उनकी स्किन पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लिप टिंट से एक फ्रेश, एक ग्लोई लुक उनके चेहरे पर आ जाता है। लेकिन ये लिप टिंट बड़ा डिफरेंट है जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ,
वरना दुनिया जहान में हर प्रोडक्ट ने लिप टिंट्स तो इजाद कर लिए हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यानी अब आपको लिपस्टिक भी पर्स में रखने की जरूरत नहीं है। जिस भी साइज का पर्स हो उसमें एक एयरबड की तरह की छोटा सा लिप टिंट है, ये आ ही सकता है और डिस्पोजेबल है। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो इसीलिए जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और साइंस की वजह से बहुत सारी ईजाद हो रही है, वैसे हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हमें अपने मेकअप के लिए भी बहुत सारी और चीजें मिल रही हैं। अब हम क्या दिखा रहे हैं? ओके, घर बैठे हेयर स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज सबक पढ़ा रही हूँ जी। तो ये गैजेट्स जो हैं ये आपको सैलून पे पैसे खर्च करने से बचा सकते हैं, बहुत सारे आपके पैसे बच सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एक वो चीज़ जिस फेशियल के लिए आपको अपने बच्चे जो हैं वो छोड़ के जाने पड़ते हैं, किसी और से बेबी सिट कराना पड़ता है और फिर टाइम भी लेना पड़ता है सैलून में जाके, वहाँ भी घंटों वेट करना पड़ता है। लेकिन आप घर में कैसे फेशियल कर सकते हैं, आप क्या क्या ईजाद हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, वैसे जैसे हम आपको अच्छी स्किन के बारे में हमेशा बताते रहते हैं और आजकल जैसे मुझे लगता है कि नॉर्मली भी जो ख़वातीन जॉब नहीं करती उनका भी एक शौक बन गया है कि उनको हल्का फुल्का मेकअप करना है। ट्यूटोरियल देख देख के एक शौक डेवलप हो गया है मेकअप खरीदने का, फिर उसके बाद मेकअप इस्तेमाल करने का भी शौक डेवलप हो गया। लेकिन स्किन को कितना अच्छा रखना है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आप ब्रशेज और ये स्पंजेस इस्तेमाल करते हैं उसकी सफाई का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी, उसकी सफाई के लिए भी गैजेट अवेलेबल है। क्या बात है। अच्छा, ये बड़ा एक ट्रेंड है, हमेशा से रहा है कि अक्सर मुझे लोग मिलते हैं तो कहते हैं आपको पता है हमारी जो भाभी हैं वो बिल्कुल आपकी शक्ल की हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं कहीं तो कहते हैं यार, मतलब लाइक सादिया इमाम मुझे कहती थी कि तुम्हारी शक्ल मेरी भाभी से मिलती है। और बाकी जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा हाँ यार रिसेम्बलेंस है, हमारे शायद गाल एक जैसे। तो जब भी आप के खानदान में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की होती है या कोई आदमी लड़का होता है जिसको आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से मिलाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनसे मिलते भी हैं और आप रिलेट करते हैं कि यार आपकी शक्ल तो आयजा जैसी है, आपकी शक्ल तो आयशा खान जैसी है, आपकी शक्ल तो आयशा उमर जैसी है, सनम जंग जैसी है, तो बहुत सारे लोग अपने आप को किसी से मिला रहे होते हैं। और इसीलिए आज की जो आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो हमने कुछ इसी तरह डिज़ाइन किया है। मेकअप गुरु, मेकअप मास्टर हमारे साथ होंगे ताकि आज आपको हम ज़बरदस्त टेक्निक से आगाह कर सकें, क्योंकि यार ये टिक्के तो बैठते नहीं, शायद कोरोना में थोड़ा बहुत टिक्के बैठे होंगे, वरना ये कभी कहीं कोर्सेस करने चले जाते हैं, कभी कहीं से सीख कर आते हैं और वो जो सारी टेक्निक्स इधर उधर से सीख के आते हैं उसका फायदा उनको तो पहुंचता है लेकिन उनके साथ साथ वो अपने फैंस को भी पहुंचाते। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद एक जबरदस्त मेकअप क्लास होगी और अब आप सोच के मुझे SMS करें कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, शायद आप इस प्रोग्राम से रिलेट कर पाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है या दूसरों को लगता है कि इनकी शक्ल फलानी सेलिब्रिटी से मिलती है और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए आज एक क्लास क्रिएट की है और वो ऐसे कि हमारे मेकअप गुरु आकर आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज जो हैं उनके चेहरों के हिसाब से मेकअप बताएंगे कि फलानी सेलिब्रिटी अगर ऐसा मेकअप करे तो उस पर बहुत सूट करेगा और फलानी सेलिब्रिटी अगर ऐसा मेकअप करे, उसका कॉम्प्लेक्शन अगर ऐसा है तो उस पर बड़ा सूट करेगा। फिर हम सोचते रहे अच्छा कौन है वो सेलिब्रिटीज जिनकी अभी नई नई बात पक्की हुई है, नई नई मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी शादी अभी अनकरीब है। तो हमने सोचा कि उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए शो डिज़ाइन करते हैं और हमने फ़ोन किया फिर वकार को। हमने वकार से कॉन्सेप्ट जो है वो तय किया। हमने कहा एक तो सबसे पहले हमने आज तक आपसे इकरा का मेकअप इतना हिट हुआ था, इकरा अजीज का, और उनका जो मेकअप है वो हमने सीखना है कि वो कैसा मेकअप है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सोच रही होंगी कि क्या इकरा जैसा मेकअप हम पे सूट करेगा कि नहीं। तो आइए आपकी मुलाकात आज बड़े दिनों बाद मैं करा रही हूँ मेरे फेवरेट वकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सिर्फ मेरे फेवरेट ही, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के आप फेवरेट हैं, क्योंकि आप उनके चेहरे को
को नो मेकअप लुक देकर भी बहुत प्यारा बनाते हैं अपने मेकअप से, अपनी आर्ट से। और इकरा का मेकअप तो करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे पसंद किया चीजों के लिए। हाँ। और वो मैंने अभी ट्यूटोरियल्स भी लोगों मैंने भी बनाया उसके लिए जिसमें इकरा काम ने मेकअप किया। हाँ। मैंने कहा आज भी हम इकरा काम आज हम लाइव क्योंकि अब आज जो है हम सवाल भी कर पाएंगे ना। बिल्कुल। ये वाला जो मेकअप इकरा का हुआ हुआ था वो वकार ने सजेस्ट किया था या इकरा की ख्वाहिश थी कि वकार ऐसा मेरा मेकअप कर। एक्चुअली इकरा जो है वो वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि बहुत छोटी सी है जब से वो आई मेरे पास और हमने उसको लॉन्च किया और उसने कितने सारे एड्स किए उसने और उसने मेहनत भी बहुत की, उसकी लक भी अच्छी थी, उसने मेहनत भी बहुत की और जैसी वो पहले दिन थी ना आज भी वो वैसी ही वैसी डाउन टू और शादी के दिनों में उसने मुझे फोन किया कहने वकार भाई मेकअप आपके अलावा तो मैं करवा नहीं सकती ना मुझे शादी का मेकअप, वैसे तो मैं कराती हूँ लेकिन शादी का मेकअप मैं आपसे कराऊंगी। सो शादी के मेकअप ने जब हमने डिसाइड किया तो डे वेडिंग थी। हाँ। और पूरा रेड जोड़ा था नोमी का। हाँ। तो हमने कहा कि हम जितना चेहरे को लाइट रखेंगे क्योंकि ज्वेलरी भी हैवी थी। हाँ। और ड्रेस भी हैवी था तो इसलिए मैंने उसका बहुत सॉफ्ट मेकअप जो बहुत नेचुरल मेकअप। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारी ब्राइड्स का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब चेंज हो गया, स्पेशली इन समर्स चेंज हो गया है कि पहले ब्राइड्स जो है वो बहुत चाहती थी कि हाँ प्रॉपर बहुत ज्यादा मेकअप हो, मतलब लगे कि भाई दुल्हन है, दुल्हन तो... लगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, लोगों का मेकअप कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, लाइट मेकअप ज्यादा इन है और लेस इज मोर वाला हिसाब हो रहा है कि अब ब्राइड्स भी जो है वो बहुत कम मेकअप पे बहुत अच्छी लुक रख रही है। इवन तो बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी हैं जो अब लैशेस पे लैशेस भी लगाना पसंद नहीं करती। हाँ। वो कहती है कि हम जितना नेचुरल क्लोज टू नेचुरल में उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकरा ने आपसे कहा कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए जो मतलब बहुत ज्यादा रंग बिरंगा ना हो क्योंकि मेरा जोड़ा बहुत रंग बिरंगा। नहीं, इकरा से मेरी डिस्कशन हुई जब रात में उससे मुझे तस्वीरें भेजी अपनी ड्रेसिंग की, मुस्तकिल कनेक्ट थे तो उसने मुझे तस्वीरें भेजी कि ये ज्वेलरी है ये कपड़े हैं तो हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करना शुरू किया। जब वो सीट पे बैठी उसने कहा वकार भाई, मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए किस तरह लूं। हाँ। कहती ये बात तो मुझे पता ही नहीं, अब मैं बैठ गई हूँ, आपको जो आपने करना है वो आपकी। ओके। तो इकरा से मेरा बहुत ट्रस्ट बहुत डेवलप है, बहुत अच्छा मेकअप, उसका फेस पे मेरा हाथ बहुत चला हुआ है, उसके फीचर्स बहुत प्यारे थे, आपने बड़े अच्छे से उसके फीचर्स निकाले। उसके मेरे बहुत कम मेकअप किया, अगर आप देखें इसमें तो बहुत लेस मेकअप है जो शायद नॉर्मल लोग पार्टी मेकअप में भी खुद भी अगर लैश लगा दें खाली, अगर नॉर्मल मेकअप पे लैश लगा दें तो ऐसा मेकअप हो जाता है। तो हमने ये नहीं रखा कि हम मेकअप आज मैं अपना पूरा मेकअप निकाल के चेहरे पे डालूं क्योंकि आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है। exactly, मेकअप करो तो कपड़े ज्वेलरी ये सारी। अब जो नई ब्राइड्स आ रही है उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे जब वो हमारे पास पहले आती है बुकिंग के लिए तो हम पूछ लेते हैं जोड़ा कैसा है, ज्वेलरी कैसी है, उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं। अगर चेहरा बहुत प्यारा है और बहुत मेकअप, कुछ होते हैं चेहरे जो बहुत खूबसूरत होते हैं उनपे बहुत मेकअप अच्छा नहीं लगता। और मेरा हमेशा से रहा है निदा कि जब मैं मेकअप शुरू करता हूँ जहाँ मुझे लगता है बस ये यहाँ तक ये बस सीन लग रही है, मैं बिला वजह इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहीं रोक देता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको लगता है उनके फीचर्स बड़े प्यारे हैं, डस्की डस्की सी इकरा की टाइप के फीचर्स हैं और कॉम्प्लेक्शन बहुत ऐसी प्यारी सी कॉम्प्लेक्शन है जैसे इकरा की है, तो वो रिलेट कर सकेंगी इस मेकअप से जो वकार अभी दिखाने वाले। और स्पेशली समर के अंदर क्योंकि लोगों को ज्यादातर रेड पसंद होता है लेकिन अब तो डिफरेंट कलर्स भी आ गए हैं कपड़ों में जो लोग पेस्टल कलर्स के भी कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अगर रेड जोड़ा ले रहे हैं और इवनिंग का ही अगर फंक्शन, कोरोना की वजह से सब मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया, ये भी आफ्टरनून का फंक्शन था, तो अगर इवनिंग का भी फंक्शन है तो मैं कुछ नहीं कि ग्लॉसी ग्लोई एंड लेस मेकअप वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस मौसम में क्योंकि इकरा की शादी तो हुई थी सर्दियों में। हाँ। तो वो तो दोपहर की शादी थी और वो बेस वेस तो उसकी परफेक्ट रही थी, लेकिन अब गर्मियों में नॉर्मली दोपहर की शादियां कम ही नहीं होती है धूप इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी रात को भी इतनी गर्मी होती है ना। हाँ, और आउटडोर शादियों का ट्रेंड चल रहा है अभी तक, तो आप क्या प्रेफर करेंगे बेस फाउंडेशन? अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो कोशिश करें कि कम से कम जितनी लेस फाउंडेशन होगी उतना देर तक मेकअप चलेगा। अच्छा। ये लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितना अच्छा फाउंडेशन पाउडर चीजें लगाएंगे तो हमें देर तक चलेगा, वो जल्दी क्रैक करता है। अच्छा, जैसे कुछ चेहरे होते हैं ना उनको पसीना थोड़ा ज्यादा, जैसे मेरी बहन है, मेरी ही बहन है, मेरी छोटी बहन, मुझे नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन वो बेस लगाती तो उसकी बेस गायब हो जाती क्योंकि उसे पसीना बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिल्क मेकअप है। अच्छा, बाज जैसे कंपनी है मिल्क, उसके अंदर एक आईज
सीरम आया है जी जी, और नॉर्मली अगर नहीं भी है अगर ऐसा तो आप मेकअप करने से पहले अपने फेस पे आइसिंग अच्छी कर ले या जो एक बाउल के अंदर पानी ठंडा डाल के अपने फेस को। ये उन लोगों के लिए टिप है जिनके मुंह पे मेकअप टिकता नहीं, टिकता नहीं है। और एक छोटी सी टिप मैं और देता हूँ, अक्सर ये होता है कि जिनका उनको पता है कि भी हम रोज मेकअप कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो मेकअप हमारा जल्दी फैल जाता है, तो आप उसमें जो आइस क्यूब्स होती है ना उसके अंदर टोनर और रोज वाटर को मिक्स करें, एक बॉटल पानी और एक बॉटल के अंदर टोनर, या अगर जैसे बहुत ऑयली स्किन है तो इंस्टेंट और रोज वाटर को मिक्स करें और उसके क्यूब्स बना के फ्रिज में रखें। अच्छा। मेकअप से पहले जस्ट आपने फेस पे वो क्यूब लगाया, आपकी स्किन देखिएगा ना आपको पसीना आएगा ना आपका फाउंडेशन ज्यादा। टोनर और आपने क्या बताया, इंस्टेंट टोनर या इंस्टेंट में से कोई एक चीज और रोज वाटर। अच्छा, रोज वाटर ऑर्गेनिक वाले रोज वाटर आप बहुत मिलते हैं, ऑर्गेनिक रोज वाटर, और अगर बहुत कम ऑयली है तो टोनर लगा लें किसी भी कंपनी का टोनर, और अगर बहुत ऑयली है तो इंस्टेंट। इंस्टेंट इज अ थोड़ा सा हैवी होता है टोनर से, वो जल्दी वो कौन सी प्रोडक्ट्स का मिलता है, कौन सी हर कंपनी के अंदर इंस्टेंट इज अ जैसे तो ना फेस वॉश स्पेल करें इसको इंस्टेंट की आई से, हाँ आई से इंस्टेंट। और वो किस लिए होती है, बेसिकली क्या करता है वो कि आपकी जो पोर्स है ना उनको मिनिमाइज कर देता है फॉरन, जैसे टोनर आपकी स्किन को टोन कर देता है ना, वो अगर आपकी बहुत ऑयल ग्लैंड है और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो वो फॉरन उसको बंद। औरतों को यहाँ होती है प्रॉब्लम गालों के करीब, स्पेशली नोज की साइड पे, लेकिन आप ये आजमा के देखेंगे, मेरा तो मेरे तो सैलून में रखा होता है। अच्छा, तो अगर मेरे पास कोई ब्राइड आती है मुझे लगता है कि यार लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी, तो मैं लड़कों से कहता हूँ पहले इनके फेस पे जरा आइसिंग कर दो ताकि मेरा मेकअप के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद आप प्राइमर लगाएं, और प्राइमर के लिए भी नॉर्मली होता है लोग सोचते हैं कि कोई भी प्राइमर उठा लेते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वो प्राइमर लें जो आपके पास क्रीम बेस में आता है, जो व्हाइट क्रीम बेस में मैक में भी आता है, प्री प्राइम के नाम से आता है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो प्राइमर लें जो ट्रांसपेरेंट हो, जो वाटर बेस हो, जेल फॉर्म में हो, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपने लगा लिया वो वाला क्रीम वाला प्राइमर तो आपका मेकअप वैसे भी नहीं टिकना। तो इसलिए प्रोडक्ट लेते वक्त एटलीस्ट अपने, और अब तो हम लोगों ने ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, हम लोग अब आपके पहुँच में करीब हैं, आपके प्रोग्राम के थ्रू हम कितनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि आप सबसे पहले जाने कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट्स खरीदिए, क्योंकि 90% मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन गलत प्रोडक्ट्स। ये जो है इनके चेहरे पे हल्के हल्के पिंपल हैं, तो इनकी क्या ड्राई है क्या ऑयली है क्या है, इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन ऑयली भी है, आई थिंक है ना, ऑयली भी है आपकी स्किन, लेकिन ज्यादातर ये नोज एरिया थोड़ा ऑयली है, लेकिन अगर चीक्स ड्राई है, लेकिन इनके बहुत ज्यादा पिंपल्स नहीं है, हल्की एक्नी है। और एक मैं, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज मेरी भी बहुत एक्नी स्किन थी, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस एक्नी स्किन के लिए लोग बहुत प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सस्ता सा एक 25-30 रुपए वाला फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जब भी आपकी फेस पे एक्नी स्टार्ट हो, स्टार्ट यूजिंग सोप, नॉर्मल सोप से फेस वॉश करें। उससे क्या होता है कि आप जब आपकी स्किन पे एक्नी डेवलप होती है और अगर फेस वॉश यूज करते हैं तो उससे हल्का सा ऑयल आपकी स्किन पे रह जाता है, वो जल्दी आपकी एक्नी को डेवलप करता है। लेकिन अगर आप सोप से फेस वॉश के बजाय सोप यूज करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई रहती है। बेसिकली क्या होता है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं एक्नी वाले, तो वो दवाइयाँ देते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो, तो जब एक चीज से वैसी ड्राई हो रहा है फेस, तो उसको खाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ओके। आप बेस कौन सी लगा रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। आप कौन सी बेस कौन सी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इस वक्त मैक यूज कर रहा हूँ, मैक का 20 इकरा के ऊपर भी मैक ही यूज़ मैक यूज किया था। अच्छा, मैक डायरेक्ट बस एक ही बेस लगाई थी, दूसरी एक ही बेस है। मैंने सिर्फ अभी इनके मैं वैसे कवर करूंगा, इकरा के फेस पे कोई ऐसा मार्क नहीं था, मैं इनको हल्का सा कवर करूंगा। और कवर किस चीज से करेंगे? कवर में एक मेरी फाउंडेशन है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फाउंडेशन डर्मा, वो आपको पता है मेरी हमेशा से फेवरेट है। exactly. तो डर्मा, दुनिया जहान घूम लिया लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम कमर्शियल के लिए मेकअप कर रहे होते हैं या हम फिल्म के लिए करते हैं या हम ब्राइड्स के लिए स्पेशली कर रहे होते हैं, तो अगर आप बड़े ब्रांड्स आप देखें, लोग से कहते हैं यार हमारे पास फला ब्रांड की अच्छी है, फला ब्रांड की बिल्कुल अच्छी है, मगर वो उस वेदर के लिए जहाँ पर वो बन रही है, यहाँ पर अगर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज करेंगे तो जब आप जितनी देर में बाघा फर्ज करें मैं इनके फेस पे अरमानी लगा के इनको मैं स्टेज पे भेज दूँ, तो थोड़ी देर बाद अरमानी बहके ना सारे अरमानों के साथ बहेगी वो, इसलिए जो है वो उस वेदर के लिए है, तो वहाँ। लेकिन
एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि डर्मा से अच्छी कोई वो फाउंडेशन। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आके हम आपको बेस के बारे में बताते हैं। इकरा के ऊपर भी वकार ने मैक यूज की थी और यहाँ हमारी मॉडल के ऊपर भी मैक यूज कर रहे हैं डर्मा से ये कंसील करके, बहुत लाइट कंसील और बहुत हल्का सा कंसील ताकि वो एक बेस बहुत ज्यादा ओवर क्रीमी ना लगे। छोटे सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज उन सेलिब्रिटीज के हवाले से हम मेकअप से आपको गाइड करेंगे जिनसे शायद आप रिलेट कर सके, आपको लगता है कि उनकी जैसी शक्ल या फीचर्स आपके भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त वकार हमें जैसे उन्होंने इकरा का जो मेकअप किया था, जो आई मेकअप और बेस का जो शेड था वो दिया था, वही हमें करके यहाँ ऑन एयर दिखा रहे हैं। और इस वक्त वकार ने पूरी बेस लगाई है जिसपे इन्होंने बताया कि मैक की बेस इन्होंने इकरा पे भी यूज की थी 20 नंबर और कंसीलर जो है वो एज कंसीलर उन्होंने डर्मा की बेस यूज की है जिससे सारे पिंपल्स छुप चुके हैं और एक फ्लॉलेस लुक आ रही है। और बहुत आप अगर देखें तो बहुत कम फाउंडेशन है, मैंने बहुत समझी से उसको कवरेज दी है डर्मा से ताकि वो आपके दाने छुप जाए और बाकी जो है वो बहुत फाइन फाउंडेशन लगाई है। बाद में आपने थोड़ा शिमर वेमर भी अप्लाई किया होगा ना इकरा पे? नहीं अब हाँ शिमर, लेकिन मैं इसमें भी करके दिखाऊंगा वही सेम शिमर करके अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इस पे जो है वो फाउंडेशन लगाई है और कॉन्टोर किया है। कॉन्टोर में आपको बता देता हूँ कि वैसे फेस के हिसाब से इकरा का मुंह बहुत छोटा सा है, इनका फेस शेप डिफरेंट है, इसकी चीक बोन्स बहुत अच्छे हैं तो मैंने चीक बोन के हिसाब से। कॉन्टोर के लिए आप क्या समझते हैं बेहतर कौन सी प्रोडक्ट हो? कॉन्टोर में देखिए कोशिश ये करें कि जो ब्राइड्स हैं, ब्राइड में कॉन्टोर का जो सेक्शन है वो बहुत कम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो फोटोग्राफी तो समझ आती है कि फोटोग्राफी भी होती है उनकी, लेकिन ज्यादातर लोग तो उनको सामने से देखते हैं, नेकेड आई से देखते हैं। तो जो कॉन्टोरिंग हम फोटोग्राफी के हिसाब से करते हैं उसका हम 10% खाली ब्राइड्स पे करते हैं। ओके, क्योंकि फोटोग्राफी तो आजकल इतनी एडिटिंग भी आ गई है तो अगर वहां फील होगा कि दुल्हन का कॉन्टोर कम है तो वो एडिटिंग में भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग से ना दुल्हन के फीचर्स बहुत शार्प हो जाते हैं और वो पहचाने भी नहीं जाती कि क्योंकि देखिए अगर आप देखें ना ये जो लाइट्स है इनके अंदर कॉन्टोरिंग होगी तो वो ब्लेंड हो जाएगी। लेकिन आम जो अब जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर बहुत लाइटें नहीं हो रही होती, तो अगर नॉर्मल आप कॉन्टोरिंग करते हैं तब भी वो आफ्टर फिनिश भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए आपको दुल्हन का मेकअप करते हुए खास तौर पर यह ख्याल रखना पड़ता है कि उसका मेकअप ऐसा हो जो नेचुरली भी बहुत प्यारा लगे। और दुल्हन को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें दुल्हनें फोर्स करती हैं कि देखिए प्लीज कॉन्टोरिंग हैवी कर दीजिएगा। कॉन्टोरिंग हैवी करने से ना आपकी मेकअप क्वालिटी एकदम से अननेचुरल हो जाती है और वो लगता है कि हाँ मुंह पे कुछ लगा, वो फ्रेशनेस एकदम गायब हो जाती है। कॉन्टोरिंग इट्स गुड फॉर द स्क्रीन, लेकिन जो आम जिंदगी के अंदर कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग का जो आम जिंदगी में कलर होना चाहिए वो पिंकिश ब्राउन होना चाहिए, वो पूरा ब्राउन नहीं होना चाहिए। अभी मैं इनकी एक गोल्ड आई शेडो, अच्छा अब आईब्रो कर दिया, आईब्रो की ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ नीट किया है। अच्छा सही, और मैंने एक गोल्डन, कौन सा कलर है वो जो मुझे दिखा सकते हैं, कौन सा गोल्डन आपने इकरा पे कौन सा कलर यूज किया? ये गोल्ड माइन कलर है, मैक का गोल्ड माइन, ये मेरे ख्याल से हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट कलर होता है। और ये हमारे जो एशियन जो फीचर्स हैं उसमें बहुत अच्छा ब्लेंड होता है ये वाला गोल्डन कलर, क्योंकि इसके अंदर ना एक तो येलो पिगमेंट बहुत अच्छा वाला है इसमें, बहुत वैसा वाला रस्टी गोल्ड नहीं है। हाँ। तो गोल्ड माइन बहुत अच्छा कलर होता है, मुझे लगता है कि ब्राइडल्स के लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देखिए नेता मैंने सीख लिया हाथ नीचे करके, बिकॉज ऑफ योर शो वकार के पूरे हाथ आ जाते थे आंख पे, हम कहते थे वकार दिखाए कैसे, अब मैंने नहीं सीख लिया है कि शो पे मैंने हाथ कैसे नीचे रखना ताकि मैं लोगों को दिखा। अच्छा आपने पूरी जो आई लिड है उसके ऊपर पूरी, बहुत नहीं सिर्फ मैंने अंडर आईब्रो के नीचे बस लगाया, उसको बाकी को ब्लेंड कर दिया है। अच्छा मतलब आईब्रो के नीचे गोल्डन कलर, जी आईब्रो के नीचे लगाया है। एक्चुअली अब जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ना उसमें अब हम सीख गए कि आपको हाथ कैसे नीचे करना है। वकार बनाते हैं ट्यूटोरियल्स? हाँ, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार के नाम से। अच्छा, क्योंकि उसमें एक्टिंग भी करता हूँ तो उसके भी क्लिप्स होते हैं, फिर हम एक पॉजिटिविटी की भी बातें उसमें करते हैं। हाँ। फिर साथ साथ में मेकअप भी होता है, उसमें साथ साथ कुकिंग शो भी होता है। अच्छा अब ये कौन सा शेड यूज किया है वकार? ये हमने एक हुदा का ये पैलेट है, इसमें एक ब्राउन कलर है। अच्छा ये एक नया पैलेट है, न्यूड मिल रहा है, क्योंकि हुदा पुराने पैलेट्स खत्म करती जाती है नए लेकर आती जाती है। हाँ, कौन सा वाला? ये ब्राउन यूज़ किया, बिल्कुल डार्क ब्राउन। आप अगर किसी और उसमें भी देखें तो ये कॉफी ब्राउन कलर, आप कोई भी कॉफी ब्राउन कलर ये मिल जाता है पैलेट्स में, ये आम कलर, ये मैक के अंदर भी आपको कॉफी ब्राउन कलर मिल जाएगा। लेकिन आप एज लाइक मेकअप आर्टिस्ट आपको हुदा के आई शेडोज अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत पसंद है, पिगमेंट अच्छा है।
हुदा बहुत अच्छा, और एक अभी एक नया ब्रांड आया नताशा डेनोना, वो बहुत अच्छा उसके। और अब सबसे अच्छी बात ये है, नया तो नहीं है, वो तो पुराना ही है। हाँ, पुराना, लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान में, हम तो बाहर से ले आते थे, अब पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात ये कि अब ये मिलना शुरू। कहाँ मिल रहा है भाई? ये एक शिमर बड़ा प्यारा है जी, मैं आपको गोल्डन कलर का जो नताशा डेनोना आपको, वैसे तो वेंडर्स यहाँ बहुत सारे हैं जो लाके दे रहे हैं, लेकिन एक एम्ब्रॉयडर्ड मॉल जो है उसके अंदर एक दी वर्ल्ड के नाम से एक एक शॉप है। अच्छा, दी वॉल्ड, अच्छा, जहाँ सब कुछ मिलता है। आप उसको, ये पहले ऑनलाइन था तो ऑनलाइन पहले हम मंगाते थे, अब उन्होंने पूरी शॉप कर ली। अच्छा, वहाँ जाके आप फिर देख भी सकते हैं अपनी आंखों से कि ये हमने खरीदी। और वहाँ एक और बड़ी मजे की एक चीज होती है, जो अट्रैक्शन होती है वो ये कि उनका जो सामान थोड़ा बहुत टूट जाता है तो वो डिस्काउंट में मिलता है। तो हम कहते हैं ढक्कन वक्कन हमें नहीं चाहिए। अरे जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब क्या, कौन सा कलर लगा रहे? अब मैं इसमें जो है वो एक टेम्पटिंग सा कलर इसके अंदर ही हुदा का ही है, ये मैंने काके दिखाता हूं। हां, बड़ा अच्छा गोल्डन वाला, रस्ट गोल्ड सा कलर दिखाएं, मैं दिखाऊं जरा ये वाला। बिल्कुल हाँ, लास्ट वाला, ये वाला। ये तो खत्म हो गए हुदा के पैलेट्स, अभी पुराने ही मिलेंगे आपको जहाँ भी मिलेंगे। नहीं, ये वाला पैलेट तो मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मैं अभी रिसेंटली देख के आई हूँ। अब वो खाली नए वाले 3 पैलेट्स आए हुए हैं। ये वाले पैलेट आपको पाकिस्तान में जहाँ भी स्टोरेज हुई भी होगी वहाँ मिल जाएंगे। अगर कोई इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद। खुदा की खास बात ये है कि वो जब नए शेड लेके आती है अपने पुराने गायब कर देती है। अच्छा, लेकिन कहीं ना वो शेड वो डालती है, है। हाँ, वो डालती है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये सेम नहीं मिले। हाँ क्योंकि नहीं तो फिर पुराने ही चलते रहे ना, फिर नए ना चले, तो वो उसकी स्ट्रेटेजी है। अब तो और दूसरी कंपनी, मैं तो ये वाले पैलेट में बहुत यूज करती हूँ, तो ये सेव करके मैंने रखा। मैंने भी, अच्छा, मेरी जो मैनेजर है जो सैलून के अंदर मेरी सारी ये प्रोडक्ट देखते हैं, तो उसको हमेशा शिकायत होती कि आप एक चीज को चार चार चीजें क्यों खरीद लेते हैं, इतना कॉस्ट बना देते हैं आप। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ, आप देखो अब खत्म हो गए ना, मिल गई ना मार्केट में। मैंने कहा मेकअप आर्टिस्टों को पता होता है कि ये चीज अच्छी है, ये गायब हो जाएगी। अच्छा, आप देखिए, मैंने, अच्छा, आपने गोल्डन का भी अलग अलग शेड्स का ज्यादा इस्तेमाल, कोई मैंने काला कलर यूज नहीं किया है। अभी ब्राउन एंड गोल्डन के दो अलग अलग शेड्स यूज हुए हैं, एक के अंदर शिमर था, एक के अंदर नहीं था। उसके बाद हम इसको हल्का सा एक बहुत सॉफ्ट ऑरेंज कलर के साथ, ऑरेंज कलर भी मुझे जरूर दिखाइए, ये हुदा का, ये अलग अलग, इससे नहीं सॉफ्टनेस आ जाती हमारे कॉम्प्लेक्शन पे। ये वाला बेस्ट बैठता है, बहुत अच्छा बैठता है, पीच ऑरेंज, ये तो सेफ मेकअप है, सेफ मेकअप है। ब्राउन एंड येलो एंड ऑरेंज का तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा। ये ऑरेंज आपने दिया किधर, मुझे बताएं? मैं ये देखिए, आप अगर कैमरा क्लोज करें तो जो डेप्थ और आई शेडो के बीच एक, इसको एक सॉकेट, एक सॉफ्ट सी सॉकेट, देखिए ये नजर भी नहीं आ रही, लेकिन अपनी दोनों को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंड कर रही है, लेकिन वो अपना एक डेप्थ छोड़ रही है। और एक सॉफ्टनेस आ रही है, एक सॉफ्टनेस आ रही है। उसके बाद हम अंडर आई पे थोड़ा सा यही ऑरेंज कलर, अंडर आई पे सॉफ्टनेस कितनी आ जाती है, वो एक चाइनीज लुक जो आती है बेस लगाने से। देखिए इसमें सॉफ्ट भी हो गया और आंख चाइनीज भी नहीं लग रही आप बिल्कुल, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं ना आप यहाँ तक, तो वो हमारी आंखें एकदम छोटी छोटी लगने लगती है। तो ये पीच, मैं तो नॉर्मली भी लाइक मॉर्निंग शो पे भी मैं कोई भी आई मेकअप हो, लेकिन ये पीच शेड आंख के नीचे लगना तो लाजमी, बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, इनकी आईज थोड़ी सी एक तरह से डिफरेंट है, तो मैं इनकी आईज के हिसाब से थोड़ी सी एक चीज चेंज कर रहा हूँ। वो क्या है? वो ये ऊपर देखिए, सिर्फ हल्का सा ब्राउन मैंने कॉर्नर पे भी दिया। और आपने इकरा को नहीं दिया था? नहीं, क्योंकि इकरा की आंख ड्रूपी लगती। नहीं, इकरा की आंख पे जरूरत नहीं थी, आंख जब लैश के बाद, इसकी आंख माशाल्लाह बड़ी है और तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। या ये इकरा देखिए, अब हर किसी का चेहरा मुख्तलिफ होता है। आप जाके मेकअप आर्टिस्ट को ये नहीं कह सकते सुने मुझे करीना जैसा मेकअप कर दे या मुझे फलाना जैसा मेकअप कर दे, आपके फीचर्स डिफरेंट हैं थोड़े बहुत। फीचर्स डिफरेंट हैं, सही बात है। हाँ, क्योंकि बाकायदा दुल्हनें जो हैं वो अटक जाती हैं कि हमें तो भाई सेम एज इट इज यही चाहिए। पिक्चर्स लेकर आती हैं साथ ना सेलिब्रिटीज, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मेकअप दिखा दें, तो मैंने कहा मेकअप देखने से कोई फायदा नहीं है, आपके फीचर्स अलग हैं और मेरे माइंड में किस वक्त जब जोड़ा देख के क्या आपका चेहरा देख के आता है, वो एक इम्पोर्टेंट बात, वो एक इम्पोर्टेंट बात। अब हम लाइनर लगा, लाइनर, अब लाइनर से तो छुप गई है।
आंख ये अब नजर आ रही है, बहुत सॉफ्ट लाइनर। आपने इकरा को भी बड़ा बारीक सा लाइनर है, लेकिन ये कि मैं ना जब उसको देखा था मैं समझ, मुझे लगा कि स्मोकी आईज की हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी जैसे मैं आपका अब मेकअप करते हुए देख रही हूँ तो प्रॉपरली अब समझ आया है कि कौन सा शेड पहले यूज किया है, कौन सा बाद में किया है। और बहुत पतला सा लाइनर लगाया। हाँ, अब बिला वजह आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको प्रिटी लगना है बस अपने खास, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको खूबसूरत लगना है। मेकअप ज्यादा लगने और खूबसूरत लगने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल प्यारा लगना है आपको। देखने दे, मैंने सीख लिया हाथ नीचे है ना, ये देखें गोल्डन ब्राउन एंड लाइनर, ये तीन शेड इसमें यूज हुए हैं। और बहुत कोई इसमें डेप्थ नहीं बनी है, कोई काला रंग यूज नहीं हुआ है। कोई ना, लड़कियों की अपनी अलग ब्यूटी होती है, वो अगर आप उनकी शक्ल तो वही नजर आनी चाहिए ना जो है, ये थोड़ी कि मेकअप उन्हें इतना चेंज कर दे कि लाइक उनकी पता ही नहीं चले कि उनकी शक्ल पहचान में नहीं आए। अच्छा मुझे लगता है मेरी अम्मी के वलीमे का मेकअप हुआ था ना, तो मैं तो जो वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा मम्मा है कहाँ, दुल्हन मतलब मेरी अम्मी का वलीमा है वो नजर नहीं आ रही। उनका मेकअप ऐसा कर दिया था कि उनकी खड़ी नाक मोटी लग रही थी, उनके बाल ऐसे बना दिए थे कि वो अलग ही चाइनीज कोई खातून लग रही थी। फिर बहुत अरसे बाद दो तीन दफा वीडियो देखी उनकी वलीमे की, तो पता चला कि ये तो सामने जो बैठी है ये मेरी मम्मा है। तो ऐसा होता है बहुत सारी। हाँ बहुत होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप उतना करना चाहिए जिसमें आप बस प्यारे आप खूबसूरत लगे। हाँ। और क्योंकि आपने जेवर ज्वेलरी का बड़ा मार्जिन होता है इसके अंदर। ओके, मतलब आप बारीक से एक लाइनर है जो बिल्कुल आपने लैश बहुत फाइन से लगाया है, बहुत फाइन से। और लैश कौन सी वाली आपने यूज की थी इकरा पे? इकरा पे लैश मैंने थोड़ी सी इससे एक पॉइंट काम की, लेकिन इसकी आंख क्योंकि बड़ी है इस पे सूट कर सकती है बड़ी लैशेस, तो मैंने वो लैश। कौन सी आप कौन सी ब्रांड की लैशेस यूज? इसकी मैंने हुदा यूज की थी। अच्छा, हुदा यूज की, इसकी भी मैंने हुदा यूज। हुदा का कौन सा नाम? उसकी जिजैल की थी, इसकी सेमेंथा की। इसकी सेमेंथा की, ठीक है। ये भी होता है ना, हर आंख पे आप मुख्तलिफ लैशेस यूज करते हैं, ये भी तो एक चक्कर है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये हो गया। अब हम इस पे शाइनर लगा रहे हैं। अच्छा शाइनर भी दिखाएं, कौन सा वाला यूज़ करें? एनेस्थेसिया का ये शाइनर है। अच्छा, इस पे भी आपने, इकरा पे भी आपने यही शिमर यूज किया था? यही शेड। आपने कभी बैका का शिमर यूज किया? वो भी कितना अच्छा है। और अभी इंग्लॉट का एक स्टिक है, वो आप यूज करके देखिए, मतलब लाइक जी वो है मेरे पास, लाइक वो दो कलर में आए ना, पता नहीं मेरे पास एक कलर है लेकिन वो मैंने छोड़ दिया बैका। इंग्लॉट पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, तो मैंने कहा यार ये स्टिक तो बड़ी अच्छी है, तो ना अच्छे ब्लेंड हो जाता है। वरना मैं पहले शिमर नहीं लगाती थी, अब देखिए मैं यहाँ लगाती हूँ, इधर लगाती हूँ और नाक के ऊपर, तो नाक खड़ी खड़ी लगती है, अच्छा लगता है शिमर। और बैका का जो है मुझे सबसे अच्छी बात होती है पिगमेंट बहुत अच्छा और प्यारा। बहुत नहीं तो कभी आप, मैं पहले शिमर लगाती थी जब तो मेरे पोर्स खुले खुले मुझे नजर आते थे, लेकिन बैका का और ये इंग्लॉट का शिमर लगाने से वो नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब कि मेरे पोर्स खुले खुले नजर आ रहे हैं, उसकी पिगमेंट की वजह से। देखिए अब इसके हम जो लिप कलर लगा रहे हैं वो हम आउटलाइन अच्छी डार्क करेंगे। आप देखें अगर इकरा का लिप कलर भी, हाँ बहुत आउटलाइन डार्क हुई है लेकिन लिप कलर बहुत सॉफ्ट है। हाँ, तो आपने कौन सा इस पे लिप कलर यूज किया था? ये एक मैक का एक कलर है, हाफ एंड हाफ। आपका भी फेवरेट होगा मैक, अगर आप देख लेना कि मैंने मैक के साथ क्या किया है तो मैक वाले मुझे जान से मार दे। मैं अब मैक यूज नहीं करती, मैं हुदा यूज करती। हाँ हुदा की बहुत अच्छी लिपस्टिक है जो वो मैट, मैं तो मैक को इस तरह के पैलेट पे डाल दिया, पता है इतने ढक्कन खोलने से बेहतर होता है। देख लो भाई ये क्या है, कौन सा वो कौन सा शेड है? रूबी वो देखे ना मैंने कैसे डाला, रूबी वो इसी में होगा नहीं दूसरे वाले में, ये देखें रूबी वो ना मेल्ट नहीं होता था तो मैंने अब इसमें सब करके डालना शुरू कर दिया। दिखाएं जरा, माशाल्लाह मैक वालों, ये एक बंदे ने जो बनाए ना शेड्स। अच्छा आप बताएं वो कौन सा लगाया था आपने? ये मैंने लगाया था हाफ एंड हाफ।
हाफ एंड हाफ ये वाला ब्राउन. एक्चुअली इतनी रटे हुए ना मुझे ये शेड, तो मुझे पता था मैंने एक दिन क्या किया, मैं बैठा था, मेरे मैनेजर कहने लगे आप क्या कर रहे हैं, उसको लगा शायद मैं पागल वागल हो गया, मैंने लिपस्टिक तोड़ रहे हैं शुरू की और इसने डाला और एक आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में चला दिया है, तो ये ऐसी हो जाती है. अच्छा उससे फायदा ही होता है कि वो जो अंदर फंसी रह जाती है वो भी तो आ जाती है, और उससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि कम से कम हमें मिक्स करने का मजा आ जाता है. मैं चार भी मिक्स कर सकता हूँ, अब उसके अंदर ना वो आप फंस जाते हैं. हाँ ओके, दवाइयों को इसमें डाल दें, वो तो दवाइयां डिब्बिया मिलती है. ये तो अब बस कोरोना की मेहरबानी है कि हम थाईलैंड नहीं जा पा रहे. हाँ अच्छा, आपने इकरा पे मैट लिपस्टिक यूज की थी या ग्लॉसी? ये जो मैक का जो कलर है हाफ एंड हाफ, ये ना बहुत मैट है और ना ही बहुत ग्लॉस. अच्छा बीच, क्योंकि उस वक्त सर्दी थी तो बिल्कुल हाँ. भी मैट नहीं कर सकते थे. नहीं मैंने उसकी लिप को जो है, क्योंकि उसका लिप मैं मॉइस्चराइज करके रखता हूँ, तो मॉइस्चराइजर पहले लगाया था मैंने लिप से, धीरे धीरे मैंने पूरा मेकअप किया एंड में फिर मैंने लिप कलर लगाया था उसका. ओके ओके, आउटलाइन आपने ऐसी बनाई कि इसके लिप्स वैसे ही इसकी पाउटी है लेकिन थोड़ा सा मैंने इकरा के बहुत पाउटी लिप्स नहीं है. इकरा की भी बहुत अच्छी पाउटी है. इकरा का एक है कि अगर इकरा को आप बगैर मेकअप देखें तो आप नहीं कह सकते कि मेकअप में इतनी बदल जाएगी. हाँ। उसके चेहरे पे मेकअप आप कुछ भी करें तो वो सूट करता है, और उसकी स्किन का टेक्सचर इतना प्यारा है कि हम बस बेस हल्की सी भी लगाएं तो उसकी जो शिमर लगाने के बाद जो अपनी शाइन है ना वो बहुत बहुत अच्छी आती है. और सबसे बड़ी बात यह कि मैं इकरा के बारे में कहना चाहूंगा, इकरा को मैंने डे वन से देखा है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है और वो पहले वो चेहरे पे नजर आती है ना, वो आज भी वैसी ही है जैसे वो पहले दिन. बिल्कुल, बहुत तहजीब वाली लड़की, बहुत तहजीब वाली. वो सब चीजें भी तो चेहरे पर आती है ना, मेकअप आप चाहे कितना भी कर ले लेकिन जो आपका दिल है वो भी तो झलकता है ना, ऐसे तो नहीं लोग इतना पसंद करते उसको. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यहाँ इकरा वाला मेकअप तो ये रेडी है, लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट वाला किसका कौन सा वाला करें? नेक्स्ट हम करें जिस तरह आपने आज दो नाम लेते सबूर और मिनाल का. हाँ। तो उनकी और उनको बहुत बहुत माशाल्लाह मुबारक, दोनों इतनी प्यारी बच्चियां हैं और ये हम लोग की तो हमारी बच्चियां ही होगी ना, क्योंकि हमारे साथ में सभी छोटी हमने इनके एज अ चाइल्ड स्टार मेकअप किया है, छोटी छोटी सी आती थी दोनों तो एज अ चाइल्ड स्टार मेकअप किया है, तो अब दोनों की बात पक्की हुई है. अभी नेक्स्ट वाला हम क्योंकि बहुत सारे जैसे अभी आपने कहा ना कि इस तरह के फेसेस, और अब हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसी जो इनसे रिजेम्बलेंस है, तो आप कौन सा वाला चेहरा हम लेकर आ रहे हैं जिससे कौन हम हमारे पास एक बच्ची है बड़ी अच्छी, उसके बड़े शार्प फीचर्स हैं, तो बहुत से लोग इनके बड़े शार्प फीचर्स होते हैं, तो हम किसको ला रहे हैं, सबूर या मिनाल? अभी सबूर जैसा चेहरा या बिल्कुल सबूर जैसा तो नहीं, बिकॉज दोनों के फेसेस बहुत राउंड एंड क्यूट हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के फेसेस हैं जो रिजेम्बलेंस तो नहीं करते, बट लेकिन आप कह सकते हैं कि और बहुत से आर्टिस्टों से रिजेम्बलेंस. तो हम जो नेक्स्ट ब्रेक में आएंगे तो हमारा ये वो है कि वकार को लगता है, क्योंकि वो एज मेकअप गुरु हैं तो उनको लगता है, मतलब उनको पता है कि निदा अगर ये मेकअप करेगी ना तो निदा के ऊपर ये सूट करेगा, मेरे फीचर्स ऐसे हैं मेरे ऊपर ये वाला मेकअप सूट करेगा. इसी तरह जब मिनाल की शादी होगी या सबूर की शादी होगी तो अगर वो एज दुल्हन ये वाला मेकअप अपनाएंगी और आपको लगता है आपके चेहरे का कोई फीचर उनसे मिलता है तो उनके ऊपर ये सूट करेगा. तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जरा गेस करते हैं, मेकअप गुरु से पूछते हैं कि भाई क्योंकि एमन की शादी हो गई और एमन का एक डिफरेंट मेकअप था उसकी शादी पे. हाँ. कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, लेकिन कम से कम अपनी शादी पे मुख्तलिफ तो लगी. हाँ, और अपने अपना चॉइस है अपने हिसाब से. हाँ, सबकी चॉइस होती है. तो अब देखते हैं कि सबूर और मिनाल जब उनकी शादी होगी इंशाल्लाह तो वो अपनी बारात पे क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे वो बहुत और प्यारी लगें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और सबसे पहले तो मुझे वकार, मुझे जब भी कोई शोबिस की जो लड़की है बच्ची है उसका कोई बात पक्की होती है या उसकी शादी की न्यूज सुनने को मिलती है या कुछ कोई गुड न्यूज, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे जैसे खानदान से कोई फैमिली मेंबर की कोई खुशखबरी. एग्जैक्टली, जैसे मिनाल है, मिनाल तो बिल्कुल लगता है ना, हमने छोटी छोटी बच्चियां देखी है, दो पोनियों में आती थी तो हमारे लिए तो वो बच्चियां ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सबूर भी ऐसे ही है, वो छोटी सी थी, मुझे अच्छे से याद है, ये लोग दोनों सज्जल और सबूर छोटी छोटी होते थे, नादानिया का सेट था, वहाँ पे आई थी पहली दफा, इन्होंने ऑडिशन दिया था और कैसे अपनी मेहनत के बलबूते पे इन्होंने अपना नाम बनाया है. जब मैंने फर्स्ट टाइम सबूर का एक कमर्शियल था तो फर्स्ट टाइम जब से मेकअप किया तो उसने बताया कि मैं सज्जल की बहन हूँ, तो मैंने कहा इसका मतलब तुम करीना बनने वाली हो ना, करिश्मा आ चुकी है.
तो सबूर जो है वो उसने इतना मतलब एक्ट्रेस तो ये पहले ही अच्छी थी, दोनों एक्ट्रेस बहुत, लेकिन बहुत मेहनत भी की और बहुत और ज्यादा इम्प्रूव किया साथ साथ अपनी लुक्स के हवाले से। अगर सबूर की आप लुक देखें बात पक्की पे आप सोचते हैं कि शोबिस की लड़की है तो पता नहीं क्या क्या कर लेगी, कितनी सिंपलिसिटी थी, इतने प्यारे दोनों माशाल्लाह इकट्ठे लग रहे हैं और बहुत मुबारक हो सबूर को। एक दफा फिर से हम आपको क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। सबूर की जो फीचर्स हैं, आंखें बहुत मोटी मोटी सी आंखें हैं, गोलू गोलू सा चेहरा है छोटा सा, तो इस तरह की बहुत सारी और बच्चियों का चेहरा होता है जो कि कहते भी होंगे अरे तुम तो सबूर जैसी तुम्हारी शक्ल लगती है या सबूर से मिलती होंगी। स्पेशली जो आज हमारे पास सबूर और मिनाल आपने दो जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है तो उनके जो फेसेस वैसी जैसे बच्चियां हैं, जैसे मिनाल की फेस वाली जो बच्चियां हैं जो छोटे फेसेस हैं, गोलू मोलू सी हैं, बड़ी बड़ी दोनों की बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो ऐसे चेहरों पे जितना कम मेकअप होगा ना वो उतनी प्यारी प्यारी लगे, मिनाल भी और सबूर जितना कम मेकअप होगा वो उतनी हसीन लगेगी। तो आपने अभी आप उसी से रिलेटेबल कि अगर सबूर की शादी होगी तो उसके ऊपर वकार वकार आपको क्या लगता है सबूर के ऊपर आपने मेकअप किया है उसके ऊपर क्या क्या चीजें अच्छी लग सकती है? शिमरी मेकअप वैसे भी देखिए शिमरी मेकअप इस वक्त इन भी है और स्किन ग्लोई अच्छी लगती है, लेकिन सबूर की आईज ऐसी है कि जैसे अगर मैं सबूर का मेकअप करूँ तो सबूर की जो जिस तरह उसकी आईज है जितना सॉफ्ट रहेगा, जितना स्किन टोन जो उसकी अपनी स्किन टोन वो बहुत अच्छी है, उसकी अपनी स्किन टोन रहे बहुत ज्यादा व्हाइट पे हम नहीं जाएं, स्किन टोन पे रहे वो वैसे भी बहुत व्हाइट नहीं करती, स्किन टोन पे रहे उसके लिप्स बहुत खूबसूरत है, उसकी आईज और लिप्स दोनों बहुत बैलेंस और खूबसूरत है। अलग अलग मेकअप के ट्रेंड्स होते हैं ना, कुछ लोग आंखें डार्क कराते हैं कुछ लोग लिप्स डार्क कराते, लेकिन अब मुझे लगता है ओवरऑल शिमरी ग्लोई एंड नाइस रखना चाहिए। आपको क्या लगता है सबूर के ऊपर ज्यादा आंखें डार्क अच्छी लगेंगी या लिप्स डार्क अच्छी? मुझे लगता है कि सबूर पे दोनों चीजें बहुत बैलेंस, लिप कलर भी लाइट हो या अगर वो आईज लाइट रख रही है तो लिप कलर डार्क कर सकती है, क्योंकि उसके लिप पाउच की बड़े प्यारे नेचुरल लिप्स, लेकिन अगर दोनों चीजें सॉफ्ट, अगर ड्रेस उसका बहुत लाइट है जैसे कि उसने मंगनी में अपने पहना है लाइट ड्रेस है अगर तो वो उस पर जितना लाइट होगा वो उतना ही अच्छा, मतलब मेकअप भी फिर लाइट हो, लाइट हो मुझे अच्छा लगता है। अगर उसका लाल जोड़ा है फर्ज करें जैसे सारी दुल्हनों को, आई थिंक गो फॉर अ लाइटर आईज एंड डार्क लिप फॉर द वेडिंग डे, क्योंकि वो सबूर की लिप्स जो है ना वो एक हर किसी का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, तो सबूर की लिप्स बड़े प्यारे, लोग मरते हैं ऐसे कराते हैं लिप्स, कराते हैं तो वो तो उसके नेचुरल हैं, उसकी अम्मी जैसे ना बिल्कुल। तो सबूर को आप मतलब आपको लगता है सबूर जैसा जो जिनका चेहरा है और उनके, हाँ, और अगर उसके लिप्स, अगर किसी के बड़े लिप्स हैं और वो उसको कैरी कर सकते हैं, बड़े लिप्स कैरी करना भी मुश्किल होता है, बाज लड़कियां नहीं कैरी कर, जैसे मेरी नंद है उसके डार्क लिप्स कर दिए थे मेकअप आर्टिस्ट ने, वो नहीं कैरी कर पाई और उसकी नथ की वजह से वो लिपस्टिक उसकी उसका दहाना और बड़ी करती गई, टच होती गई और वो भी ग्लॉसी लिपस्टिक लगा दी थी, वो बड़ा परेशान रही। जो बड़े लिप्स होते हैं और अगर राउंड में लिप्स हों और बड़े लिप्स हों फ्लफी लिप्स हों तो कोशिश करना चाहिए कि उसकी जो आउटलाइन है वो डार्कर हो, जिसको आप शार्प आउटलाइन बनाएं। जैसे याद है मैंने आपको भी हमेशा बताया था कि कभी भी नीचे से ऊपर ना लेके जाएं, ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाएंगे आप लिप पेंसिल, यानी पेंसिल अगर लिप पेंसिल है, लिप पेंसिल अगर आप नीचे साइड कॉर्नर से लेके आप पीक पे आएंगे गलत बन, अगर आप यूं लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहा ब्रश आपका यूं ही हो रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, तो हमेशा ऊपर से लेके नीचे ऐसे बड़े होंठों पे ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे और लाइन ड्रॉ करते हुए आएंगे तो होंठ कॉन्ट्रोल भी लगेंगे और फ्लफी भी लगेंगे। ओके ओके ठीक है, तो क्या आप इनके मेकअप जो है वो डार्क लिप्स करेंगे? नहीं इनके, हाँ इनके डार्क लिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकी जो आईज कर रहा हूँ अभी वो मैं थोड़ी सी डार्कर कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि लिप्स थोड़े लाइट ही रखूं। अच्छा, मैं बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो समर ब्राइड्स हमारी हैं, जो समर की ब्राइड्स को कैसे आजकल की ब्राइड्स को कैसे मेकअप करना चाहिए। हाँ समर में भी है, लेकिन साथ हमने ये भी कहा के सबूर पे भी ये मेकअप सूट कर सकता है, आपकी शक्ल अगर सबूर से मिलती है तो आप पे भी मेकअप सूट कर सकता है। और वैसे वकार ने मशवरा दिया कि सबूर अगर डार्क लिप्स रखेंगी एक इवेंट पे तो ज्यादा प्यारी लग सकती हैं, एक इवेंट पे लाइट लिप्स रखे दोनों चीजें, क्योंकि आंखें भी बड़ी बड़ी है ना वो भी अच्छी लग सकती है। इसके कॉर्नर पे ब्राउन और रेड ये मुझे दिखाएंगे कौन सा कलर, ये दोनों के ब्राउन और रेड, ब्राउन वही पहले वाला है, ब्राउन मैंने थोड़ा सा रेड ऐड किया है। अच्छा, अब ये ब्राउन कहाँ लगाया और रेड कहाँ लगाया? ब्राउन और रेड को मिक्स करके लगाया, मतलब के दोनों मिक्स किए, थोड़ा सा ये लिया, एक मिनट दोबारा क्लोज पे जाएं प्लीज, ओके एक सेकंड मैं सही से पकड़ूं, क्योंकि वो थोड़ा सा ये लिया इसी के साथ ब्राउन ऐड किया और मतलब मरूनिश रेड और ब्राउन को मर्ज करके आपने सबसे पहले कॉर्नर्स बनाए और उसको हमने
थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसको ब्लेंड कर दिया। सॉफ्ट किससे कर रहे हैं आप, कौन से कलर से? ये सिंपल ब्रश से, कोई उसके अंदर कलर नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ब्राउन वो लगाया हुआ है, गोल्ड लगाया हुआ है। गोल्ड कौन सा वाला, जो पहले लगाया था? जो मैंने गोल्ड माइन पहले लगाया था, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, उसको हमने सॉफ्ट कर दिया। कोई हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए मेकअप में, बिल्कुल ब्लेंडेड होना चाहिए, सब कलर एक दूसरे से मर्ज होने चाहिए, है ना? उसके बाद हम लाइनर देंगे। अच्छा, इनको आपने कौन सी बेस लगाई? इनको मैंने मिक्स की है, मैंने थोड़ी सी मैंने मैक मिक्स किया है और साथ साथ मसरत मिसबा, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन। तो मसरत मिसबा और मैक को आपने मिक्स करके, क्योंकि वो अभी गर्मियां हैं, आउटडोर शादियां चल रही हैं, तो वो बहुत अच्छा। और मसरत मिसबा की कवरेज ना 100%, मतलब मैंने अब तक जो है वो इतनी अच्छी फाउंडेशन। तो आपको फिर उसमें कोई डर्मा और कोई और कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं, स्किन बहुत क्लियर थी तो मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आईज पे डिफरेंट शेड दिया और थोड़ा सा इसको ब्लैक के साथ हम कर रहे हैं लाइनर को। अच्छा, आप ब्लैक के साथ कर रहे हैं, मतलब लाइनर देने के बाद ब्लैक कॉर्नर जो है वो ब्लैक दे रहे हैं आप? नहीं, कॉर्नर ही सिर्फ मैं अंडरलाइन ब्लैक कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी आंखों के नीचे भी लगाएंगे आप? जी, आंखों के नीचे लगाया ना मैंने ब्लैक के, और इसके साथ ही मैंने कौन सा ब्लैक, लाइनर लगाया, प्लेन लाइनर ब्लैक। अच्छा, लाइनर लगा के फिर आप क्या शेड के साथ ब्रश करें? नहीं, देखिए आप आईज में करो, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। देखिए कि अगर जो मैंने शेड ऑलरेडी लगाया हुआ था, ठीक है, गोल्डन के साथ मैंने मरून को मिक्स किया, अब जो मैंने मरून लगाया हुआ था उसी के ऊपर मैं हल्का सा ब्लैक लगा के इसी शेड को कंटिन्यू करते हुए, ये लाइनर है बिल्कुल, केक लाइनर, केक सिंपल केक लाइनर। और इसी क्योंकि केक लाइनर वाटर बेस्ड होता है तो वो इजीली पाउडर में ब्लेंड हो जाता है। अगर जेल वाला लाइनर आप लगाएंगे तो वो ब्लेंड इतना मजे से ब्लेंड नहीं होगा। ये हमने लाइन बनाई और उसके बाद जो हमने कलर पहले लगाया था मरून, उसको हम थोड़ा सा लेंगे जो उदा का मरून है जी, उसके साथ हम उसको थोड़ा उसके साथ, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इसको हमने इस तरह ब्लेंड और बाहर निकाल रहे हैं आंख से, मतलब लाइक थोड़ा सा। तो देखिए कॉर्नर कितना मजे का बन गया, बहुत डार्क भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्लश ऑन आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मुझे तो ये नार्स की किट, अगर आप देखें ये बेस्ट किट आई है, इसमें ऑर्गेज्म के दोनों हैं और साथ साथ शिमर भी है, पिंक पीच और शिमर भी है। तो ये आपको लगता है नार्स की किट ये बहुत अच्छी है? वो है बेहतरीन किट है। ठीक है। अच्छा, जैसे सबूर का चेहरा है तो इस पे ज्यादा, क्योंकि इसका गोल मटोल चेहरा है थोड़ा, तो इस पे कॉन्टोर करना जरूरी है? कॉन्टोर भी करें और थोड़ी सी आईज भी शार्प बनाएंगे तो और मजेदार लगेगा। अच्छा, ताकि वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि हम लोग क्योंकि सारी जिंदगी हमने ब्राइडें भी बनाई हैं, तो ब्राइड्स बनाने से ये होता है कि ब्राइडल जब हम करने लगते हैं तो हमारा हाथ अलग तरीके से चलता है। अच्छा, क्योंकि ब्राइडल एक अलग मेकअप है, शूट इज डिफरेंट, शोज इज डिफरेंट, स्टेज इज डिफरेंट। तो क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट, अक्सर लोग कहते हैं हमने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स कर लेना है, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कभी खत्म नहीं होता, आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। स्टेज मेकअप अलग है, थिएटर मेकअप अलग है, टीवी का मेकअप अलग है, सब चीजें अलग अलग है। बिल्कुल, ओके। अब आपने ये इस ब्राइडल मेकअप पे जो कलर दिया है वो आपने गोल्डन, रेडिश एंड ब्लैक, ब्लैक ब्राउन बहुत लाइट रखा है, लेकिन आपने जो है इस पे ये चेंज दिया है। जी, अब इसके अंदर हम एक बहुत मजे की चीज करने जा रहे हैं कि हम इसमें बिल्कुल बेसिक, आप क्या करने जा रहे हैं बाप? मैंने बेसिक एक गोल्ड कलर है जो गोल्डन ब्राउन्स, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं कलर। अच्छा, आप थोड़ा ब्रॉन्जी कर रहे हैं अब, ब्रॉन्ज कलर, मतलब ये थोड़ा आंखें चली जाएंगी थोड़ी डार्कर की तरफ के, नहीं बहुत ज्यादा डार्क, लेकिन वो उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा आएगा। देखिए जब एंड में करूंगा इसको, ये थोड़ा ब्रॉन्जी कलर है, ब्रॉन्जी कलर, प्यारा मैक का कलर है ये। ये मेरा फेवरेट कलर है, टेम्पटिंग नाम है इसका। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे इसमें ग्लिटर। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत मैक का ग्लिटर, ओह वाओ। अच्छा देखिए, ख्वाहिश कभी कभार होती है किसी की कि मुझे स्मोकी मेकअप कराना है, किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे ग्लिटरी मेकअप कराना है। तो अब मुझे थोड़ा सा ये आप आइडिया दे सकते हैं कि कौन सी आंखों का शेप ऐसा है जिसपे ग्लिटरी मेकअप नो है, कौन सी आंखों का शेप ऐसा है जो आंख है ना जिसके अंदर फोल्डेड आईज है, ड्रुपी आईज है, या थोड़ी सी बहुत पफी आईज होती है ना, जो बिल्कुल फ्लैट, जैसे राबिया चौधरी की नहीं आईज है, फ्लैट आईज है राबिया,
रबिया चौधरी, रबिया चौधरी जो मॉडल है, हाँ मॉडल है, उसकी बड़ी आईज है लेकिन ब्रॉड है, रबिया चौधरी जो पुरानी मॉडल, पुरानी मॉडल, ठीक है ना, तो इस तरह की आंखों पे बहुत ग्लिटर, बहुत एकदम उनकी थोड़ी बाहर निकली हुई, उस पर नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी बाहर निकली हुई आंखें वहां ग्लिटर, और या जो बिल्कुल पतली हो, ड्रूपी हो, फोल्डेड हो, यानी कि जब आप आंख खोले तो वो लाइनर नहीं इनमें ब्लेंड हो जाता, मतलब कि ये स्पेस ना हो, मैदान ना हो, आपकी आईब्रो आपका जो सॉकेट स्ट्रांग ना हो, अगर सॉकेट स्ट्रांग है तो ग्लिटर हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा, और अगर सॉकेट स्ट्रांग नहीं है, हाँ, तो आप ग्लिटर ना लगाएं, ना तो लगाएं। या उसको बहुत कम लगाएं, लाइनर की फॉर्म में लगा लें। अच्छा अच्छा, कौन सी आंखें ऐसी हैं जिस पे स्मोकी मेकअप नो है? स्मोकी मेकअप चल जाता सब पे, सब पे चल जाता, हाँ, है जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं, अंदर डसी हुई आंखें, ब्लैक ना करें, ब्राउन कर लें। अच्छा, और स्मोकी की भी बहुत सारी किस्में हैं ना, स्मोकी खाली ब्लैक या ब्राउन नहीं है, स्मोकी जो है वो आप नीले के साथ भी करते हैं, पर्पल के साथ। अब देखिए, अब आपको इतना मजा आएगा देखने में, क्या मुझे लगता है ग्लिटर लगाने में और देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वो जो आप लगा रहे हैं ग्लिटर, अब देखिए ना ग्लिटर कितना आंख पे कितना लगाना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास है, अपना है, तो इतना मतलब ठूस दिया कि वो आंखों पे, पलकों पे भी गिर रहा है। इसका ग्लू बहुत खूबसूरत होना चाहिए, कि ग्लू से इसकी खूबसूरती अच्छी आती है। ग्लिटर का कलर भी क्या कॉपर है, गोल्डन? इट्स अ कॉपर गोल्ड। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। ओह, बाकी सबूर अगर ऐसा मेकअप करवाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो मतलब लाइक ये जो हमारी शोबिज की लड़कियां हैं वो सारे मेकअप्स को कैरी भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज की भी होती है। जो आम लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा पहले से माइंड बनाना चाहिए, लेकिन पता है आजकल जो आम लड़कियां हैं वो आई थिंक शायद वो एक्ट्रेसेस से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो जानती हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह की वजह से और टिकटॉक, टिकटॉक की वजह से। ओए होए, ओए कितना प्यारा ग्लिटर है यार, मुझे लगाना है इसको, इसको मुझे लगाने में भी मजा आता है, मुझे देखने में भी मजा आ रहा है ग्लिटर लगने में। ओ वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है ये मेकअप, वेरी नाइस। उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। अब जैसे लाइक इसका चेहरा है ना, इसके चेहरे पे मेकअप जो है वो एक क्रिएटिव आदमी अच्छा कर सकता है। हाँ, इसकी फेस फीचर्स बहुत शार्प है, तो जो शार्प फीचर्स होते हैं, अभी आप बता रही थी कि जो इंट्रो मैंने आपका देखा, मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने कहा ये तो पार्लर बंद करवा रही है, क्या सारी चीजें घर पे करवा रहे हैं। ये इस तरह के मेकअप रिमूवर्स भी आ गए, ब्रश क्लीनर्स भी आ गए। अच्छा, ये अवेलेबल है यहाँ पर इंग्लॉट के। अच्छा, ये अवेलेबल है, तो स्पेशली स्प्रे मारा ब्रश साफ, ये लाजमी खरीदना चाहिए, इससे आपकी ब्रशेस एक तो क्लीन रहते हैं और क्विक ड्राई, ये अल्कोहल है ना, फौरन आपने स्प्रे किया, क्लीन हुए और ड्राई। और ये कितना अच्छा है, मतलब आप एज ए ब्यूटिशियन एक वही ब्रश है जो आप सब पे यूज करें, तो ये कितना साफ सुथरा हो गया। ये इससे हाइजीनिकली आप बहुत खुश रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा मेकअप जो है, आई मेकअप कंप्लीट हो गया, हमारी लिपस्टिक रह गई जो हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद आके, तो हम मशवरा देंगे। सबूर, आप चाहें तो एक लुक आप सोच सकती हैं, आपकी शादी अनकरीब है और सबूर से मिलती हुई लड़कियां भी ये सोच सकती हैं अपने लिए एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद पूरी लुक हम देख पाएंगे, वकार जो तैयार करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वकार आज अपने डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आपको करके दिखा रहा है, और आप गाइडलाइंस ले सकते हैं कि क्या मेरे ऊपर ये सूट करेगा या मेरे ऊपर ये सूट करेगा। यहाँ सबूर को मशवरा हमने दिया कि भाई उस पर तो हर चीज़ सूट करेगी, वो इतनी प्यारी है, लेकिन जो डार्क लिप्स भी उस पर सूट कर सकते हैं, और जो ज़बरदस्त आंखों का मेकअप, वकारने की आंखें बंद करो, वो कॉपर से आंखें इस तरह मीडियम, ना आप उसे बहुत डार्क कह सकते हैं ना बहुत लाइट कह सकते हैं। ग्लिटर मेकअप पसंद है, तो स्पेशली चीखते हुए गोल्डन के बजाय इस पे भी जा सकते हैं। इस पे मैं एक और चीज, वैसे भी चीखता हुआ गोल्डन गर्मियों में बहुत बुरा लगेगा, ऑफ लगता है। मैं इस पे एक और चीज करके जा रहा हूँ जो आजकल मेरी फेवरेट हुई, क्या हुई है पे दिखाओ मुझे। वो ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं अपनी अक्सर ब्राइड्स को इस तरीके से, ओए होए ये वाला
मतलब ये मैंने देखा है बाकायदा ट्रेंड दोबारा आ गया है ना। अच्छा मेरे पास वो भी बड़े अच्छे स्टार्स वाले वो भी लगा दो, ब्राइड्स को अच्छा लगता है। हाँ। तो ये देखे अगर जिसको ग्लिटरी मेकअप का शौक है और इस गर्मी में वो चाहते हैं ग्लिटरी मेकअप, तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है वकार ने कि चीखता वो गोल्डन ना हो, ऐसा हो कि आप फ्रेश भी लग रहे हैं। कि आप देखें इनकी शार्प नोज है, जिनकी शार्प नोज है वो कंटूरिंग के बारे में सोचा भी ना करें, बस ब्लश लेके हल्का सा नोज पे वो सॉफ्ट आ गई लुक, सॉफ्ट लुक आ जाए। ये देखिए मतलब लाइक ये एक चेहरा है जो क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट ही संभाल सकता है। ये मेकअप के बगैर इतनी हसीन है, इसकी आपने देखी है स्किन कितनी फ्लॉलेस है, मगर इसने समझदारी का फैसला करना है कि भाई जब शादी वादी हो तो जरा सही जगह से क्रिएटिव आदमी से मेकअप कर रहे हैं ना। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी स्किन फ्लॉलेस है, बहुत प्यारे उनके फीचर्स हैं, लेकिन उनको बहुत समझदार जगह से समझदार सैलून से मेकअप। और स्पेशली एक और चीज की आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत कर्ली हेयर सामने रखने का, कि मगर आप लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपकी गर्मियां है ना इस वक्त, तो कोशिश करें कि ऐसे बालों से अवॉइड करें, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो आप कितना भी इस पे प्रोडक्ट लगाएं वो लिम डाउन हो जाए। बिल्कुल, तो वो ही फैसला करें जो आपका एनवायरनमेंट और वो सारी चीजें जोड़ा जेवर वो इजाजत देते हैं। आइए जी थर्ड मेकअप पे चलते हैं। हाँ जी थर्ड मेकअप आप चेंज करें तो आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, वैसे खड़े होकर जोड़ा दिखा दो, इतनी प्यार लग रही है, तुमने दिखाया था या बाद में हम एंड में दिखाएंगे? ओके ये देखिए भाई, ये फुल फ्लेज जो शौकीन है ग्लिटरी मेकअप के, उनके लिए बेस्ट आइडिया है कि इस मौसम में ये ग्लिटरी मेकअप आपको ओवरडू नहीं करेगा। ओके जी आ जाए। अच्छा अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, सब पिंक कलर है उसके पिंक। हाँ मतलब जैसे मिनाल है, मिनाल का इतना प्यारा चेहरा है, बगैर मेकअप इतनी हसीन लगती है, लेकिन मिनाल जो है उस पर कैसा मेकअप सूट कर सकता है, माशाल्लाह उसकी बात भी पक्की हो गई है, मंगनी भी हो गई है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होगी, तो उसको कैसे अब हम थोड़ा सा पहले से सोच भी सकते हैं क्योंकि एमन की शादी होगी, एमन मिनाल का चेहरा एक जैसा है, तो एमन की हमने शादी देखी थी उसका कैसा मेकअप हुआ हुआ था, तो हम तस्वीर ये कर सकते हैं कि जैसे मंगनी पे भी मिनाल ने वही कलर चूज किया जो एमन ने अपनी मंगनी पे चूज किया था। बाकी बाकायदा बहुत सारे लोगों ने कंपैरिजन किया कि दोनों बहनों ने एक ही कलर चूज किया मंगनी पे, तो अब देखते हैं कि मिनाल क्या चूज करती है अपनी अहम दिन शादी। दोनों की साथ शादी होगी है ना। मैंने कहा था शायद चुनेंगे भी कोई एक घर, दो भाइयों किसे के साथ शादी होगी, लेकिन नहीं ना दो एक जैसे मुनीम मिल पाए, ना दो एक जैसे ऐसन मिल पाए। ओके अच्छा जी, इनका जो है वो हम एक तो पिंक जोड़ा है, और जो वो बच्चियां जिनके ऊपर बहुत कम मेकअप सूट करता है, तो हमने चेहरा हमने मिनाल और एमन के ऊपर भी बहुत कम मेकअप, और जैसे अब इनके थोड़े से मिनाल के थोड़े से शार्प फीचर्स नहीं है, थोड़े से बबली फीचर्स हैं, लेकिन इनके थोड़े से शार्प फीचर्स हैं, लेकिन मैं वो दिखा रहा हूँ कि इसको भी अगर हम सॉफ्ट करना चाहें तो कैसे हम कैसे कर सकते हैं। तो अब आपके सामने दो मेकअप आ गए अलग अलग किस्म के, अब तीसरा डिफरेंट मेकअप हम आपको करके दिखा रहे हैं, अब आप खुद चूज करें कि आपने क्या अपने अहम दिन पे करें। और मैं कहता हूँ कि जो ब्राइड्स हैं वो एटलीस्ट जिस भी स्टाइलिस्ट के साथ अपना मेकअप डिसाइड करती हैं, एटलीस्ट उससे जाके एक मीटिंग कर लें, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आप पे कौन सा कलर सूट करेगा। Exactly. लेकिन बाज बच्चियों का होता है कि ससुराल से ही जोड़े आते हैं, तो मैं ससुराल वालों को भी कहूंगा कि शादी का एक ही दिन होता है, उसकी मर्जी का जोड़ा पहना दें। लेकिन फिर ससुराल वालों को भी तो बजट होता है ना वकार, ऐसा तो नहीं हो सकता, बजट में भी हर चीज आप मर्जी की कर सकते हैं। मतलब ससुराल वालों को चाहिए कि भाई हमारा साफ बात है, हमारा बजट ये है, हाँ इसमें कर लो, इसमें रहकर तुम जो कर सकते हो कर लो, मतलब ये दोनों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ससुराल वाले ये एक सोच रहे होते हैं कि अगर हमने लड़की को बोला कि तुम खुद चूज करो तो वो बहुत महंगा ना कर ले, हमारा बजट ना आउट हो जाए। हाँ लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो है वो अब ऐसा अब बहुत कम हो गया है, जैसे कि अब जहेज बहुत कम हो गया है, और तो कोशिश करते हैं और बहुत बड़ी तकरीबों के बजाय स्मॉल गैदरिंग ज्यादा होने लगी हैं, तो अब काफी चीजें चेंज हो गई है। मुझे अच्छा फ्लैश गम कौन सी यूज करते हैं? फ्लैश गम मैं स्वीट टच ही भी यूज करता हूँ, स्वीट टच की पाकिस्तान में क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छी है, नादिया हुसैन की भी बहुत अच्छी, बहुत जल्दी चिपक, हाँ नादिया की भी, मुझे नादिया का कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम नबीला नादिया और सारा है और मुसरत आपा, इन लोगों ने जो मेकअप बनाया है सबसे बड़ी बात कि वो समझदारी से बनाया है, हमारे फीचर्स हमारे चेहरे के हिसाब से, हमारे कलर जो हमारी स्किन टोन है उसके हिसाब से, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोकल मेकअप जो उनका है वो यूज करूँ।
ओके ये हमने लैश लगा दी. आप लैश इतनी अच्छी और ग्लू इतनी अच्छी आ गई है कि आप खुद भी लैश लगा सकते हैं. और अब वो तो गैजेट दिखाया था ना मैंने. मुझसे नहीं लगती वकार लैश, मुझे नहीं आती लगाना, मुझसे नहीं मैं लगती. अगर लोगों को पता चले कि पुरानी निदा कैसी थी तो लोग हैरान हो. जब निदा पहले आती निदा कहती थी वकार जी बहुत मेकअप तो नहीं हो गया, वकार मैंने बहुत ज्यादा बाल तो नहीं बना लिए. तो बहुत मुश्किल से हम और मैं बहुत मूड में आता था सुबह सुबह, मैं कहता आज तो मैं आपको रेखा बनाऊंगा. तो ये डर जाती थी बहुत. एक दिन वकार ने मुझे बाकी वो रेखा वाली जो लिपस्टिक वो रेखा लगाती थी वो लगाई थी आपने. वकार मैं डार्क ब्राउन कैरी कर पाऊंगी. तो वो वकार को पता है, जैसे अभी तुम्हारा मेकअप वकार ने डार्क मेकअप है, लाइक मेकअप हुआ है, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो. वरना हर कोई जब तुम्हारा डार्क मेकअप करता है कहते हैं इतनी प्यारी बच्ची की शक्ल बिगाड़ दी. लेकिन वकार को पता है कि डार्क मेकअप किस चेहरे पे किस तरह करना है. अच्छा हाँ, अच्छा वकार साथ ये भी आप गाइडलाइन देते हो अपने जो आपके आती हैं क्लाइंट्स कि आप ज्वेलरी जो है ना, अच्छा जी ससुराल ने सब कुछ दे दिया है पहनने के लिए. मैं मना भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ जैसे अगर किसी पे झूमर नहीं अच्छा लग रहा या मुझे लग रहा है कि मैं इसके बाल इस तरह बना रहा हूँ जिसके ऊपर ये ज्वेलरी नहीं जाएगी, या बहुत अगर गले के जेवर जो है वो गले से लेके पेट तक जेवर है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं उनको उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर लेता हूँ कि ये अगर आप नहीं पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी, बाकी फिर आपकी और आपकी सास की मर्जी है. वो देखा पहना पहनाना भी तो होता है ना उन लोगों को. लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों पे माथा पट्टी नहीं सूट करती, बहुत सारे लोगों पे. अच्छा मेरे पास जब बुकिंग के लिए आती है ना बच्चियां, तो मैं छोटी मोटी चीजें जैसे आईब्रोज में कहता हूँ कि आप खुद मत बनाइएगा, मैं खुद बनाऊंगा. आईब्रोज एक ऐसा चीज है कि आईब्रो फ्रेम आपका अपने फेस का फ्रेम होता है, वो गड़बड़ हो जाए ना तो फिर क्या. आपको क्या लगता है जैसे लाइक शादी पे आए तो लड़कियां आईब्रो बढ़ा कर आए, मेहंदी माइयों में बड़ी है आईब्रो. नहीं मेहंदी माइयों से पहले बना ले आईब्रो, मगर जिस सर्विसेज के लिए आते हैं तब आईब्रोज बनवा लें. मगर आईब्रोज थोड़ी लेकिन इन दिनों से पहले बढ़ाएं, जब आप घर में बैठी हुई हैं तो थोड़ी बढ़ाएं, वो अच्छा लगे. और जरूरी नहीं कि सिर्फ शादी के लिए, आप आम जिंदगी में तो रोज अपना मुंह अपने साथ ही लेके फिरते हैं, तो इससे आपको आम जिंदगी में भी अपना फेस पे अपना कुछ ना हो, आईब्रोज आपकी परफेक्ट होना चाहिए. अच्छा आप इसकी आई मेकअप की बेस किस तरह बना रहे हैं. आई मेकअप में मैं इसके वही गोल्ड लगा रहा हूँ अंडर आई. अच्छा आपको क्या लगता है मीनाल की स्किन बहुत प्यारी है, मीनाल को तो मुझे लगता है मीनाल और एमन दोनों को फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं होती, वो बहुत लाइट लगाती है. और उमूमन वो कमर उस पर टीवी पे तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी. आप अगर इस तरह की स्किन की लड़कियां हैं कोई देख रही हैं उनको क्या रेकमेंड करेंगे, कौन सी बेस इस्तेमाल करें. बेस की जगह बीबी क्रीम यूज कर सकती हैं, और अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है तो जैसे मुसर्रत मिसबा के अंदर थोड़ा सा आप बेबी लोशन ऐड करके फेस पे लगाएंगे तो वो बीबी क्रीम ही हो जाती है. अच्छा. या अगर आपको लगता है कि आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस प्राइमर के अंदर बेस मिला लीजिए और एप्लीकेशन कर दीजिए तो वो उतनी फाइन हो जाती है. ओके ओके ओके. अच्छा जी अब हम थोड़ा सा पिंक कलर लगा रहे हैं इनके सॉकेट पे. ये मेकअप ना बहुत सॉफ्ट कर रहा हूँ मैं ग्लिटर के साथ, बट वेरी सॉफ्ट. मतलब हमारे पास फिर तीन अलग अलग किस्म के मेकअप्स हो जाएंगे. ये सॉफ्ट मेकअप बहुत सारी बच्चियां जिनको होता है अल्लाह, मतलब बहुत सारी डॉक्टर्स बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं कहती है अल्लाह हम दुल्हन बन के बहुत ज्यादा ना हो ज्यादा ना और हो. वो उनको इतना वो यूज्ड टू भी नहीं होती ना उस चीज की मेकअप की. हाँ. अच्छा आपने सबसे पहले गोल्डन कलर दिया जो आपने पहले लगाया था और मैंने दिखाते जो बेटा ये और पिंक कौन सा वाला फिर आपने. पिंक मैंने ये ब्लश ऑन किया जो पिंक जो है. अच्छा ये ब्लश ऑन का पिंक है ये आप कॉर्नर्स पे दे रहे हैं जी ताकि वो एक सॉफ्ट ये सॉफ्ट आ जाए. हाँ ये वाला बेस सॉफ्ट सा हम कर रहे हैं और इसी का हुदा का एक कलर है ये अंडर आई में दे रहा हूँ. कौन सा है दिखा. ये वाला कलर एक मिनट मैं उठाऊं. हाँ ये उठा लीजिए. पर्पलिश मरून कुछ है ना. इट्स अ पिंक विद पर्पल डार्क पिंक विद पर्पल डार्क पिंक विद पर्पल. ये एक बड़ा मजे का अच्छा ये अंडर आई दे रहे हैं. सही सॉफ्ट सा बस बहुत ज्यादा हार्श नहीं. हम ब्लैक की तरफ नहीं जा रहे. अच्छा बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती जो लाइक इतना यूज टू नहीं होती बहुत सारे मेकअप की तो उनकी आंखों से पानी भी निकलना लगता है तो ये, उनको ये, क्या करनी चाहिए. ये मेकअप आर्टिस्ट की एक महारत होती है. हाँ. अगर हम ये जज कर लेते हैं कि यार इसका तो पानी सेंसिटिव आइज है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको बहुत ज्यादा आंखें खुला के मेकअप ना करें. अच्छा
तो आंखें बंद करवा के कैसे करेंगे? आईज बंद करके करते हैं और आंख को खुद लिफ्ट उठा के नीचे का जो भी काम करना होता कर लेते हैं, आंखें खोलने, क्योंकि आंख खुलने से ज्यादा जो है वो मस्ता होता है। अच्छा अच्छा जी, अब हम हल्का सा एक पिंक कलर, ये कितना प्यारा कलर है, ये वाला कलर जो आप देख रहे हैं बीच में, ये हुदा का पैलेट है पिंक, इसी तरह का पिंक, सॉफ्ट पिंक है, बड़ा कॉपरी पिंक, टिपिकल पिंक नहीं है ये, बहुत मजे का पिंक है। लेकिन आप देखिएगा अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है। ओए सॉफ्ट पिंक किया, उसके बाद फ्लूइड फ्लूइड। अच्छा इस पिंक को लगाया आपने? इस पिंक के बाद ये इंग्लॉट का एक फ्लूइड है। क्या है? ड्यूरोलाइन। इट्स लाइक अ एक्टिवेटर होता है जो आई शेड एक्टिवेटर। इससे क्या होता है? इससे आपका आई शेड जो पिगमेंट वाले होते हैं, देखिए अगर आप ये दिखाएं, ये मोटे पिगमेंट वाले जो आई शेड होते हैं, ये इंग्लॉट है, इंग्लॉट दोनों, ये भी इंग्लॉट है जी, ये भी इंग्लॉट है, और मोटे पिगमेंट, इसका पिगमेंट मोटा होता है, तो जब आप इसके साथ मिलाते हैं तो ये ब्लेंड बहुत, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके ये देखिए कि इसमें कितना मोटा पिगमेंट था ना, लेकिन अब आप देखिएगा कि ये कितना मजेदार। तो आपने ये इसके शेड के अंदर डाला या अलग ढक्कन के अंदर मिलाया? मैंने अलग ढक्कन के अंदर इसको शेड के साथ मिलाया है। और आप कहाँ लगा रहे हैं इसको? ये देखिए कितना मजे का बन गया, अगर देखिए आप। हाँ। उसके बाद इसको हम ये एप्लीकेशन करेंगे इसकी। ये आधी आई पे लगता है ना, ये वाले पिगमेंट वाले पूरी आईज, ये मैं भी पूरी आईज पे लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अंदर डेप दी हुई है तो दोनों का शेड डिफरेंट आएगा। अच्छा, क्योंकि आपने पीछे जो नीचे जो है वो आपने जी हल्का सा, ओके ये ऐसा बन जाता है, तो ये शेड इसका वही आएगा। हम एक जमाने में कहते थे पानी वाले शेड, पानी हाँ, वाले, लेकिन ये इसका एक ये फ्लूइड है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब जब आप ये खरीदे तो फ्लूइड के साथ आपको ये आपको ले रहे हैं, इसके पानी में मिला के नहीं लग सकता ये, नहीं ये इसके फ्लूइड के साथ, ये पानी से मिलकर मिलेगा। ओके आप हम इसके पतला सा लाइन, मतलब अगर आप जब से कैमरे में देखें तो उसका एक ग्लास लुक आ रहा है, हाँ, बहुत आँखों पर और वो है शाइन बहुत प्यारी आती है, और वाकई ये आप सही कह रहे कि मिनाल पे बहुत प्यारे लग सकता है ये वाला, उसके जिस तरह के फीचर्स हैं वो बहुत अच्छा लगेगा। हम इसी तरीके से इसको फिंगर से सॉफ्टर लुक, फिंगर से मैं एक ग्लिटर यहाँ पर, मुझे ब्राइट तैयार करने में बड़े मजे आते हैं, सच बात बताऊं आपको, मेकअप करने में मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं इस फैशन को, और मुझे नई नई चीजें प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है। ये ऊपर जो लगाया शिमर, ये कौन सा वाइट शिमर है जो मैंने गाल पे लगाया था? ओ अच्छा, तो ब्रेक के बाद हम कंप्लीट करेंगे लुक को, ब्लश ऑन, कॉन्टोर, लिपस्टिक कौन सी लगेगी जानेंगे आप छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज वकार ने आपको तीन डिफरेंट ब्राइड्स दिखाई हैं जिनका मेकअप एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और आपके पास चॉइस होती है कि आपने अपनी बारात पे कैसा मेकअप करवाना है, अपनी वलीमे पे कैसा कराना है, अब तो मेहंदी और मायू पे भी मेकअप्स होते हैं, तो यहाँ तीन मुख्तलिफ चेहरे आपके सामने थे जिनसे हमने रिलेट किया कि इकरा का मेकअप वकार ने किया था तो इकरा का ऐसा मेकअप हुआ था, और अगर सबूर की बात पक्की हुई यानी करीब अगर उनकी शादी होगी तो वो ऐसा कर सकती है, उन पे ऐसा मेकअप सूट करेगा, फिर अगर मिनाल है, मिनाल के जैसे बहुत सारे लोगों के चेहरे होंगे जिन पे कम मेकअप अच्छा लगता होगा तो उनके ऊपर क्या मेकअप सूट किया जा सकता है, ये आपके सामने एक पिक्चर दे दी, तो बहुत सारे लोग हैं कहते ना कि सात लोग होते हैं आपकी पूरी दुनिया में एक जैसे, और बेसिकली समर में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सॉफ्टर लुक ही दे तो अच्छा लगता है। तो आपके पास एक समरी लुक आ गई, बिल्कुल सॉफ्टर लुक। अगर हम इस मेकअप को दिखाते हैं जो समन का मेकअप है, जिस जो हम कह रहे हैं मिनाल पे सूट करेगा, ये मेकअप ऐसा मेकअप है जो आप एंगेजमेंट पे करा सकते हैं, ये मेकअप ऐसा मेकअप है जो आप अपनी मायों पे करा सकते हैं, कभी निकाह है उसके लिए आप ये लुक सोच सकते हैं अपने लिए, वो सारी बच्चियाँ जो अपने हर दिन को डिफरेंट लुक देना चाहती हैं। फिर अगर हम आते हैं इस मेकअप पर जो कि रिदा के ऊपर हुआ हुआ है, जो इकरा टाइप मेकअप है, ये वाला मेकअप आप चूज कर सकते हैं, कभी वलीमे पे भी करवाते हैं इस तरह ये सॉफ्टर मेकअप, क्योंकि वलीमे पे ज्यादातर लोग सॉफ्ट लुक पे जाते हैं और इसमें क्योंकि पूरा रेड है तो और अच्छा लगता है, हाँ, रेड के साथ सॉफ्टर लुक, और कभी शादी पे बहुत हैवी जोड़ा होता है तो आप इस लुक पे चले जाते हैं, तो आप गाइडलाइंस लोग ले सकते हैं इससे, हाँ, कि भाई एक दिन मैं ये रख लूं। और अगर हम आते हैं वो वाला मेकअप जो हम कह रहे हैं कि सबूर पे बहुत सूट करेगा, जो इनको हुआ हुआ है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है,
ये डार्क मेकअप में आता है, डार्क लिपस्टिक है और आंखें भी शिमरी कॉपर की हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको बहुत शौक है हमें दुल्हन बन के ज्यादा मेकअप कराना है। आईज क्लोज करके दिखा सकते हैं अगर तो। हाँ, ये ग्लिटर भी है, शिमर भी है, अपने लाइक डार्क लिपस्टिक भी है, वो लोग जिनको मतलब लाइक शौक होता है कि भाई मुझे तो ज्यादा मेकअप चाहिए, कुछ भी हो भाई उनका शौक है, ग्लिटरी है, चमक चमक हो, नादिया हुसैन और अंबर जैसी। हमने तीनों चॉइस दे दिए। हाँ, तो आपके पास अब तीन चॉइसेस हैं, आप इन तीनों को अपने अलग अलग दिनों पे यूज कर सकते हैं ताकि हर दिन आप डिफरेंट लगे ना। तो ये है। और अब तो मेहंदी के भी इस तरह के जोड़े होते हैं कि मेहंदी का भी बड़ा फंक्शन होता है, तो उसके ऊपर अगर आप लहंगा चोली बना रहे हैं तो उस पर चोटी है, डिफरेंट लुक। और अब दूसरा ये कि पहले जैसे होता था कि एक ट्रेडिशनल लुक होती थी, अब ट्रेडिशनल लुक वापस आ गई है, कपड़ों में भी, लुक्स के अंदर भी, पुराने जेवर बिल्कुल वापस आ गए हैं, तो अब उस हिसाब से आप अपनी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और जरूरी होना चाहिए कि जो आप आपके स्टाइलिस्ट है, जिसके पास आपने मेकअप अपना कराना है, उस स्टाइलिस्ट से जरूर मशवरा कर ले, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। बास चेहरे ऐसे होते हैं जिन पर माथा पट्टी नहीं सूट करती, बास चेहरे होते हैं जिन नाकों पे नथ अच्छी नहीं लगती, बास ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे झूमर नहीं अच्छा लगता, तो ये अगर पहले से हमें पता हो जाए और उनको बता दें हम क्लाइंट्स को, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। अच्छा बका, देखो जैसे पुराने जमाने में हम अपने अम्मी वगैरह की शादी की वीडियोस देखते हैं तो नथ का एक ही साइज होता था, आप डिफरेंट, लेकिन आप जो है वो आपके फेस के हिसाब से भी आप ज्वेलर से साइजेस चेंज करा सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं। आपने देखा होगा इंडियन नथ जितनी आई है उनकी भी वैरायटी आ गई, लेकिन मुझे आज भी वही नथ अच्छी लगती है जिसमें तीन मोती लगे हुए, तीन मोती और वो बड़ी वाली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, लाइक जिसकी थोड़ी सी मोटी नाक है, बहुत प्यारी होती है और वो उनकी फेस के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई होती है, तो उस नाक के ऊपर आप क्या कहेंगे, कौन सी वाली साइज की? मैं कहता हूँ कि जो जिनकी फैटी नोज होती है तो इनको सबसे पहले तो अपनी नाक की पियर्सिंग करानी चाहिए। अच्छा, एक डॉट पहनने, अगर एक डायमंड डॉट पहनने या कोई जरखून, वो अच्छा लगता है। लेकिन जो नथ अब मार्केट में है, जो बहुत जिन पे एक बंच भी होता है फूल का और चीजें होती हैं, वो नथ बहुत कम लोगों पे सूट करती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी नथ बिल्कुल जी एक वायर वाली नथ होती है, एक तार जिसमें तीन मोती होते हैं, दो छोटी सी बिल्कुल, दो व्हाइट और एक रेड जो मोती होता है, उसमें आप साइजेस अपने चेहरे के हिसाब से आप करवा सकते हैं। लेकिन वो नथ एक ऐसी नथ है क्योंकि वो इतनी ज्यादा आपको आपकी आई ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि वो एक पतला सा तार होता है, वो खूबसूरत, वो सिर्फ मोती दिखता है, खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आपने वो वाली नथ पहनी है जो इंडियन नथ है, उस वो बहुत सारे चेहरे ऐसे जिनके होंठ पतले तो वो बिल्कुल छुपा देती है उसको, या होंठ मोटे तो आधा हो जाता है, वो जो उनका सहारा लगा होता है उसमें भी मोती होते हैं। उससे क्या होता है कि आपके चेहरे की जो एक फीचर देखे ना, कि जब वो नथ आप पहनने में, अक्सर ब्राइड्स को मना करता हूँ, जिसमें बहुत कुछ बना हुआ होता है, उससे आपका आधा होंठ गायब हो जाता है। तो अब आप विजुअलाइज करें, अगर देखें तो दूर से देखने में लगता है आधा होंठ है ही नहीं, बस सिर्फ ऊपर एक जेवर से रखा हुआ है। तो वो कभी कभी कुछ पे सूट करता है, जैसे गोल चेहरे हैं उनके ऊपर छोटी नथ अच्छी लगती है, लेकिन अगर शार्प नोज है तो वाली नथ ना पहने, तो वो बहुत ऑफ, वो एकदम से ऑब्वियस आपके चेहरे पे ऊपर चला जाता है। जबरदस्त। तो आपको अलग अलग, अच्छा बाल भी बहुत सारे जो है ना वो समझ नहीं पाते कि कैसे बनाने चाहिए, मतलब बाल एक एक मुश्किल चीज बन जाती है। और बाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर ये होता है कि मैंने अब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। पहले जब हम ब्राइड्स को बनाते थे शुरू में, आज से 15 साल पहले भी, तो ब्राइड के बंधे हुए बाल ही होते थे, सिमटे हुए बाल होते थे। उससे क्या होता था कि आपके जेवर भी है, जोड़ा भी है, मेकअप भी है, तो उस पर अगर बहुत सारे बाल साइड में रखे हुए होंगे तो वो बहुत ऑफ लगते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादातर अब समर में तो स्पेशली, आप सर्दियों में ये लोग कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं कहता हूँ ब्राइड्स को ज्यादातर कोशिश करता हूँ सिखाऊं कि बाल टाई अप करें, क्योंकि उससे आपकी तमाम चीजें ना नजर आती हैं। लेकिन जैसे ये वाला लुक है, मंगनी का लुक है, या एंगेजमेंट टाइप का लुक है, या वलीमे का लुक है, उसमें आप अगर आपके बाल ऐसे हैं कि अगर, और अगर एक्सटेंशन लगी हुई है तो फाइन, लेकिन अपने बाल लिम्प आउट भी कर जाते हैं, तो उन बालों को बनाने के लिए थोड़ा सा जरा सोच समझ के, या अगर आपको ऐसे बाल बनाने तो आप एक्सटेंशन पे इन्वेस्ट करें कि वो लिम्प नहीं होंगे। बाल लगाते हैं ना तो वो पता
पता चलता पता है एक्सटेंशन हाँ। तो रियल बालों की लगाएं अगर ऐसे बनाने तो रियल अदरवाइज ऐसा होता है गैर इंसानी कोई चीज है ना वो हिल ही नहीं रही हवा चल रही है और वो हिल नहीं रही अजीब इंसानी चीज लगी स्पाइरल कर्ल्स हुए हैं वो और वो क्या लगता है कि जब आपने अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट आप देखें आपने भारी जोड़ा पहना हुआ है आपने भारी जेवर पहना हुआ है आपने भारी मेकअप कराया हुआ है और अगर आपने बालों में भी पूरा गुलदस्ता बनाया हुआ है तो मतलब आप एक डमी लगने लगेंगे तो कोशिश करें कि चीजों को कॉम्प्लीमेंट करें और चीजों को सॉफ्ट करने की कोशिश करें कि आप प्यारे लगें ना कि ये लगे कि आज शादी है तो मैं सब पहनूंगी तो ये तो जरूरी जी तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आम लोगों ने भी और वो लोग जो ब्यूटिशियंस बनना चाहते हैं वो लोग जिनकी शादी होने वाली है वो लोग जिन्होंने शादी में मेहमान बन के जाना और है मैंने स्पेशली एक आपके प्रोग्राम से कह सकता हूँ कि मेरे सैलून में भी ब्राइडल सीजन चल रहा है तो हमने 20% ऑफ अनाउंस किया है तो जो हमारे इस प्रोग्राम के देखने के बाद अगर आते हैं तो हम 25% हमारा ऑफ है तो आप वो अवेल कर सकते हैं थैंक यू सो मच ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा जैसे कि आप हर वक्त जब भी वकार आते हैं कुछ ना कुछ इनसे जरूर सीखते हैं एंड थैंक यू फॉर निदा के वो मेरा हमेशा सुनती हैं बात मैं हमेशा कहता हूँ निदा जब हम सिखाने आऊंगा ना तो मैं बिल्कुल टीचर की तरह तो वो हमेशा मेरी बात स्टूडेंट की तरह इनकी बात सुनती हूँ बहुत कुछ सीखती हूँ थैंक यू सो मच इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी दुआओं में याद रखिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।